Krishna, Guru Deva Maheshwara. Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guru Vajna. Vakratunda Mahakaya Sule Koti Santara, Nirvignam Guru Vajneva Sarvakaya Sarvada. Sarva Mangal Mangale Shri Sarvartha Sadhike, Sharana Trambake Gauri Narayani Namostate. Vachak. प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो, दुख शोक जब जो आ पड़े सब धैर्य पूर्वक सब सको, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ, सब हिल मिलकर चलो पारस्परिक ईर्ष्या त्यजो, भारत न दुर्दिन देखता मचता महाभारत न जो ओ स्वप्न तुल्य सदैव को सर्शाले सहसा खो गया, हा हा इसी साम्राज्य में सर्वस्व स्वाहा हो गया, दुर्वृत्त दुर्योधन न जो शक्ता सहित अठान था, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता तो डूबता भारत में यो रण रक्त पारा वार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में, हा बंधुओं के ही करो से बंधुदान मारे गए, ताप से शुद्ध शिष्य से गुरु सहट सहारे गए, इच्छा रहित भी वीर पांडव रक्त हुए रण में आओ, कर्तव्य के वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते रहो, ये अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, जिस विषय से संबंध हो वो जान लेने योग्य है, अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहां, अनुमान थोड़े से बहुत कहे किया जाता है, रणधीर द्रोणाचार्य कृत दुर्भेद्य चक्र व्यूह को शस्त्रास्त्र सज्जित गठित विस्तृत शूर वीर समूह को, जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेदन कर सके तो बहुत ही व्याकुल हुए, सब यत्न कर सके थके, देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान सर्वोत्कर्ष का, प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को शूर षोडश वर्ष का, वो चक्रव्यूह भेदन में सहज ही सज्ञान था, निज जनक अर्जुन तुल्य भी बलवान था गुणवान था, हे तात तजिए सोच को, ऐ काम ही क्या क्लेश का, मैं द्वार उद्घाटित करूंगा व्यूह बीच प्रवेश का, यो पांडवों से कह समर को वीर वो सज्जित हुआ, छवि देख उसकी उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ, नरदेव संभव वीर वो रण मध्य जाने के लिए बोला वचन के सारथी से रथ सजाने के लिए, ये विकट साहस देख उसका सूत विस्मित हो गया, कहने लगा इस भांति वो देख उसका भय, हे शत्रु नाशन आपने भार गुरुतर है लिया, है द्रोण रण पंडित कठिन है व्यूह भेदन की क्रिया, रण विज्ञ यद्यपि आप है पर सहज ही सुकुमार है, सुख सहित नित पोषित हुए
निज वंश प्राण धार दे। सुनकर विनय निज सारथी की बोला वचन वो वीर यो करता घना घन गगन में निर्घोष अति गंभीर ज्यों। हे सारथे है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर रे है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। श्री राम के हरे मेघ को अपमान अपना मान के मत अश्व जब लव और कुछ ने जय किया रण ठान के अभिमन्यु षोडश वर्ष का फिर क्यों लड़े उसे नहीं क्या आर्य वीर विपक्ष वैभव देख कर डरते कहीं। सुनकर गजों का घोष उनको समझने के अपयश था उन पर झपटता शेष छुपे रोष कर जब सर्व था फिर व्यूह भेदन के लिए अभिमन्यु के उद्यत न हो क्या वीर पार शत्रु का अभिमान से सत्य कहो। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे है और की तो बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं मामा तथा निज तात से भी समर को डरता नहीं। जो जो उन षोडश वर्ष के राजीव लोचन राम ने मुनि मत किया था पूर्ण वध कर राक्षसों को सामने कर व्यूह भेद नाज त्यों ही बैरियों को मार के निज तात का मैं हित करूंगा विमल यश विस्तार के। यो कह वचन निज सूत से वो वीर राम ने मन दिए पहुंचा शिविर में उत्तरा से दल के सब हाल उसने निष्प्रिय से जब कहा जाकर वहां कहने लगी वो स्वपति के अति निकट आकर वहां। मैं ये नहीं कहती कि उसे जीव देश लड़े नहीं तेजस्वियों की आयु भी देखी भला जाती नहीं मैं जानती हूं नाथ की मैं मानती भी हूं तथा उपकरण से ही क्या शक्ति में सिद्धि रहती सर्वथा क्षत्राणियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गौरव ही पति पुत्र को सज्जित करे रखे लिए जो आप की जो वीर पति के कीर्ति पथ में विघ्न बाधा डालती होकर सती भी वो कहा कर्तव्य अपना पालती। अब शकुन अब शकुन परंतु आज मुझको हो रहे सच जानिए मत जाइए संप्रति समर में प्रार्थना ये मान लिए जाने न दूंगी आज मैं प्रियतम तुम्हें संग्राम में उठती बुरी है भावनाएं आए इस श्रद्धान में है आज कैसा दिन न जाने देवगण अनुकूल हो रक्षा करे प्रभु मार्ग में जो शूर हो वो कूल हो कुछ राज पाठ न चाहिए पाऊं न क्यों है त्रास ही हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। कहती हुई अब उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं फिर प्राणपति के स्कंद पर रखकर वदन वो सुंदरी करने लगी प्रार्थनाएं नाना प्रकार बैठा रहती देख कर व्याकुल प्रिया को सांत्वना देता हुआ उसका मनोहर पाणि पल्लव हाथ में लेता हुआ करता हुआ वारण उसे दुर्भावना की प्रीति से कहने लगा अभिमन्यु उसको प्यारे वचन की प्रीति से जीवन मई सुख गायनी प्राणाधिके प्राण प्रिय कातर तुम्हें क्या चित्त में सभाति होना चाहिए ओ शांत सोचो तो भला क्या योग्य है तुमको यही आह तुम्हारी विकलता जाती नहीं मुझसे सही वीर स्नुषा वीर रमणी
Veena garbha bhutata ashcharya. Ashcharya jo mama radhaman se pirvita me ho vyata. Ho janati bate sabhi kehna humara vyata hai. Batla na lena shatru se kaisa adharma anarth hai. Nij shatru ka sahas kabhi padhne na lena chahiye. Badla samar mein bairiyon se shigr lena chahiye. पापी जनों को दंड देना चाहिए समुचित सदा वर वीर क्षत्रिय वंश का कर्तव्य है ये सर्वथा इन कौरवों ने हा हमें संताप कैसे हैं दिए सब सुन चुकी हो तो भी इन्होंने पाप जैसे हैं किए फिर भी इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जीते रहे तो सोच लो संसार भर के वीर हमसे क्या करें प्रिय जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य और समग्र है उसके लिए चिंतित तथा रहता सदा वो व्यग्र है होता इसी से है तुम्हारा चित्त चंचल हे प्रिय ये सोच कर सो अब तुम्हें शंकित ना होना चाहिए रण में विजय पाकर प्रिय मैं शीघ्र आऊंगा यहां चिंतित ना हो मन में ना तुमको भूल जाऊंगा वहां देखो देखो भला भगवान ही जब है हमारे पक्ष में जीवित रहेगा कौन फिर आकर हमारे लक्ष्य में यो धैर्य देव उत्तरा को हो विदा सदभाव से वीराग्रणी अभिमन्यु पहुंचा सैन्य में अति चाव से स्वर्गीय साहस देखो उसका सौ गुने उत्साह से भरने लगे सब सैनिकों के हृदय हर्ष प्रवाह से फिर पांडवों के मध्य में अति भव्य निज रथ पर चढ़ा रणभूमि में रिपु सैन्य सम्मुख वो सुभद्रा सुत बढ़ा पहले समय में जो सुरों के मध्य में सजकर भले थे ताल का सुर मारने गिरी नंदिनी नंदन चले कमलेश जी ललित जी वाचक विचारों तो जरा उस समय की अद्भुत छटा कैसी अलौकिक घिर रही है शूर वीरों की घटा दुर्भेद्य चक्र व्यूह सम्मुख सब धार्त्र राष्ट्र रचे खड़े अभिमन्यु उसके भेदने को हो रहे आतुर पड़े तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा प्रत्येक पर रण भूमि पर वर वीर गण सोने लगा रोने लगी मानो दिशाएं पूर्ण हो रण घोष से करने लगे आघात सम्मुख सब शूर सैनिक रोष से इस युद्ध में अभिमन्यु ने जो की प्रदर्शित वीरता अनुमान में आती नहीं उसकी अगम गंभीरता जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ले लिया करता हुआ कर निकल दुर्धर सृष्टि के संहार को कल्पांत में संतप्त करता सूर्य जो संसार को सब ओर ही छोड़कर निज प्रखर दर्शन जाल को करने लगा वो वीर व्याकुल सब शत्रु सैन्य विशाल को शर खींच उसने तूण से कब किधर संधाना उन्हें बस वित्त होकर ही विपक्षी वृंद ने जाना उन्हें कोदंड कुंडल तुल्य ही उसका वहां देखा गया अभी राम रण करता हुआ वो राम सर लेखा गया कटने लगे और गणित भटों के रोट मुंड जहां तहां गिरने लगे कटकर पकाकर पंत सहस्त्रों के वहां केवल कलाई ही कुतूहल वश किसी की काट दे क्षण मात्र में अरे वृंद से रणभूमि उसने पाट दी करता हुआ बद बैरियों का बैर शोधन के लिए रण मध्य वो फिरने लगा अति दिव्य ज्योति धारण किए उस काल सूत स्वामित्र के रथ हाँकने की रीत से
देखा गया वो एक ही 10-20 साल अति भीति से उस काल जिस ओर वो संग्राम करने को गया भगते हुए अरविंद से मैं दान खाली हो गया रथ पथ कहीं भी रुद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं सम्मुख हुआ जो वीर हो मारा गया तत् क्षण नहीं जो भानु का कर भेद जाता अंधकार समूह को वो पार्थ नंदन घुस गया त्यों भेद चक्र व्यूह को थे वीर लाखों पर किसी से कति ना उसकी रुक सकी सब शत्रुओं की शक्ति उसके स्थान में सहसर पर साथ भी उसके न कोई जा सका निज शक्ति से था द्वार रक्षक नृप जयद्रथ सबल शिव की भक्ति से अर्जुन बिना उसको न कोई जीत सकता था कहीं थे किंतु उस संग्राम में भवितव्यता वश वे नहीं तब विदित कर्ण कनिष्ठ भ्राता बाण बरसा कर बड़े रे खल खड़ा रहे वचन यूं कहने लगा उससे करे अभिमन्यु ने उनको श्रवण कर प्रथम कुछ हंस भर दिया फिर एक क्षण से शीघ्र उसका शीर्ष खंडित कर दिया यो देख मरते निज अनुज को कर्ण अति क्षोभित हुआ संतप्त स्वर्ण समान उसका वर्ण अति शोभित हुआ सौभद्र पर सौ बाण छोड़े जो अतीव कराल थे हा बाण थे या भयंकर पक्षधारी व्याल थे अर्जुन तरह ये देख उनको वेग से आते हुए खंडित किया झट बीच में ही धैर्य दिखलाते हुए फिर हस्त लागव से उसी क्षण काट कर रिपुचाप को रथ सूत रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे संताप को यों करण को हारा समझ चित्त में अति क्रुद्ध हो दुर्योधनात्मज वीर लक्ष्मण आ गया फिर युद्ध को सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु यो कहने लगा मानो भयंकर सिंधु नद हद तोड़ कर बहने लगा तुम हो हमारे बंधु इससे हम चलाते हैं तुम्हें मत जानियो तुम ये कि हम निर्बल बताते हैं तुम्हें अब इस समय तुम निर्जनों को एक बार निहार लो यमधाम में ही अन्यथा होगा मिलाप विचार लो सुन ये वचन उस वीर को लग गई बस आलसी हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग से अभिमन्यु ने उसको विफल कर पांडवों की जय कही फिर शर चढ़ाया एक जिसमें ज्योतिषी थी जग रही उस अर्ध चंद्र काल शर ने छूट कर कोदंड से छेदन किया कंठ तत्क्षण फलक धार प्रचंड से होता हुआ इस भांति भाषित शीश उसका गिर पड़ा होता प्रकाशित टूट कर नक्षत्र जो नक्से बड़ा तत्काल हाहाकार युक्त रिपु पक्ष में दुख छा गया फिर दुष्ट दुशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया अभिमन्यु उसको देखकर क्रोध में चलने लगा निश्वास वारंवार उसका उष्णतर चलने लगा रे रे नराधम नार की तू था बता तक कहा मैं खोजता फिरता तुझे सब ओर कब से हूं यहां ये देख मेरा बाण तेरे प्राण नाश निमित्त है तैयार हो तेरे अघों का आज प्रायश्चित है सब सैनिकों के सामने ही आग बद करके तुझे संसार में माता पिता से है गोविंद होना मुझे मेरे करो से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं पर देखना रण भूमि से तू भाग मत जाना कहीं कह यो वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण को
रिपु फाल रिपु घुस गया झट भेद शीर्ष प्राण को तब रक्त से भीगा हुआ वो गिर पड़ा पाकर व्यथा संध्या समय पश्चिम जरदी में अरुण रवि के तन था मूर्छित समझ उसको समझ से ले गया रथ सारथी लड़ने लगा फिर मृत प्रकट उचित नाम महारथी कर खेल क्रीड़ा सख्त हरी जो मारता करे को कभी मारा उसे अभिमन्यु ने तिम छिन्न करके तनु सभी उस एक भी अभिमन्यु से यह युद्ध जिस जिसने किया मारा गया अथवा समर से मुख होकर ही किया जिस भांति विद्युत दाम से होती सुशोभित घन घटा सर्वत्र छिटकाने लगा वो समर ने शस्त्र छटा तब करण द्रोणाचार्य से साश्चर्य जो कहने लगा आचार्य देखो तो नया ये सिंह सोते से जगा रघुवर विशिख से सिंधु सम सब सैन्य इससे व्यस्त हैं ये पार्थ नंदन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है होना विमुख संग्राम से है पाप वीरों को वहां ये सोचकर ही इस समय ठहरा हुआ हूं मैं यहां अब जैसे बने मारना ही योग्य है इसको यही सच जान लीजिए अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं वीराग्रणी अभिमन्यु तुम हो धन्य इस संसार में है शत्रु भी यो मग्न जिसके शौर्य पारावार में होता तुम्हारे निकट निष्प्रभ तेज शशि का सूर्य का करते पक्षी भी सदा गुणगान सच्चे शूर का तब सप्त रथियों ने वहां रथ हो महादुष्कर्म में मिलकर किया आरंभ उसको विद्ध करना मर्म में कृत करण दुशासन सुयोधन शकुनी सुप्त युद्ध द्रोण भी उस एक बालक को लगे मारने बहुविध सभी अर्जुन तनय अभिमन्यु तो भी अचल सम अविचल रहा उन सप्त रथियों का वहां आघात उसने सब सहा पर एक साथ प्रहार करता हो चतुर्दश कर जहां युग कर कहो क्या क्या यथायथ कर सके विक्रम कुछ देर में जब रिपुशरों से अश्व उसके गिर पड़े तब कूद कर रथ से चलाओ थे जहां वे सब खड़े जब तक शरीरागार में रहते जरा भी प्राण हैं करते समर से शूर जन पीछे कभी न प्रयाण है तब नृत्य सा करता हुआ घरवा ले जिन हाथ में लड़ने लगा निर्भय वहां वो वीरता के साथ में था यद्यपि अंतिम दृश्य उसके अलौकिक कर्म का पर मुख्य परिचय भी यही था शूर जन के धर्म का होता प्रविष्ट मृगेंद्र शावक जो गजेंद्र समूह में करने लगा वो शौर्य के उन भैरियों के व्यूह में तब छोड़ते को रंग से सब ओर चंड शराबनी मारतंड मंडल के उदय की छवि मिली उसको भले ये विकट विक्रम देख उसका धैर्य खोने लगे उसके भयंकर वेग से अस्थिर सभी होने लगे हंसने लगा निज शत्रुओं की धीरता को देख के कहने लगा फिर यो वचन तृण तुल्य उनको लेख के मैं एक तुम बहु सहचरों से युक्त विश्रुत साथ हो एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात हो होते विमुख तो भी हो झिलता न मेरा वार है तुम वीर कैसे हो तुम्हें धिक्कार सौ सौ वार है सुन ये वचन उस वीर के बोला सुयोधन आप
है काल अब तेरा निकट करता अर्थ प्रलाप क्यों अब जैसे बने निज बैरियों के प्राण हरना चाहिए निज मार्ग निष्कंटक सदा सब भांति करना चाहिए ये कथन तेरे योग्य ही है ये कथन तेरे योग्य ही है प्रथम योग उत्तर दिया खर तर शरों से फिर उसे अभिमन्यु ने मोचित किया उस समय ही जो पार्श्व से छोड़ा गया था तान के उस कर्ण शर ने चाकू उसका काट डाला कान के खींच कर खर खड़ग वो रक्त हुआ रघु नाश में चमकी प्रलय की बिजलियां घन घोर सारा आकाश में पर हाय वो आलोक मंडल अल्प ही मंडित हुआ वंचक विपक्षी वृंद से वो खड़ग भी खंडित हुआ यो यो रिक्त हस्त हुआ जहां वो वीर रिपु संघात में घुसने लगे सब बैरियों के बाण उसके घात में वो पांडव वंश प्रदीप यो शोभित हुआ उस काल में सुंदर सुमन ज्यो पड़ गया वो कंटकों के जाल में संग्राम में निज शत्रुओं की देख के ये नीचता कहने लगा फिर यूं वचन दृग युग करो से नीचता निशस्त्र पर तुम वीर बनकर वार करते हो है पाप तुमको देखना भी पान रो सम्मुख ना हो दो शस्त्र पहले तुम मुझे फिर युद्ध सब मुझसे करो यो स्वार्थ साधन के लिए मत पाप पथ में पद धरो कुछ प्राण भिक्षा मैंने तुमसे मांगता हूं भीति से बस शस्त्र ही मैं चाहता हूं धर्म पूर्वक नीति से अरे कर में मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाओ वीरता देखो यहां फिर मैं तुम्हारी धीरता गंभीरता हो सात क्या सौ भी रहो तो भी रुलाऊं मैं तुम्हें कर पूर्ण रण लक्षा भी क्षण में सुलाऊं मैं तुम्हें निशस्त्र पर आघात करना सर्वथा अन्याय है स्वीकार करता बात ये सब शूर जन समुदाय है जानकर भी हा इसे आती न तुमको लाज है होता कलंकित आज तुमसे शूर जन समाज है है नीच ये सब वीर पर आचार्य आचार्य तुम आचार्य हो वर वीर विद्या विज्ञ मेरे तात शिक्षक आर्य हो फिर आज आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कर्म है मैं पूछता हूं वीर का रहने यही क्या धर्म है ये सत्य है कि अधर्म से मैं निभक्त होता हूं अभी पर शीघ्र इस दुष्कर्म का तुम दंड पाओगे सभी क्रोधाग्नि ऐसी पांडवों की प्रज्वलित होगी यहां तुम शीघ्र जिसमें भस्म होगे तूल तुल्य जहां था हेता हे मात तुम हो जहां है प्रणाम तुमको वहीं अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल मत जाना कहीं निरुपाय निरुपाय तब अभिमन्यु ये अन्याय से मरता हरे निरुपाय तब अभिमन्यु ये अन्याय से मरता है कहता हुआ वो वीर युवराज भूमि में फिर गिर पड़ा वो भंग श्रृंग सुमेरु जी का गिर पड़ा वो जो बड़ा
इस भांति उसको भूमि पर देखा पतित होते यदा दुशील दुशासन तनय ने शीश में मारी गदा, दृग बंद कर फिर वो यशोधन सर्वदा को सो गया। हा एक अल्पम रत्न मान मेदिनी का खो गया। हे वीरवर अभिमन्यु तुम हो यद्यपि सुरलोक में, पर अंत तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में। दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा विश्व में, तब शत्रुओं के नाम पर धिक्कार होगा विश्व में। इस भांति पाई वीर गति सौभद्र ने संग्राम में, होने लगे उत्सव निहित भी शत्रुओं के धाम में। पर शोक पांडव पक्ष में सर्वत्र ऐसा छा गया, मानो अचानक सुखद जीवन सार सर्व मिला गया। प्रिय मृत्यु का प्रिय महासंवाद पाकर विश्वभरा चित्रस्थ से निर्जीव मानो रह गई हत्र उत्तरा। संज्ञा रहित तत्काल ही फिर वो धरा पर गिर पड़ी, उस काल मूर्छा भी अहो हितकर हुई उसको बड़ी। कुछ देर तक दुर्दैव ने रहने न दी ये भी दशा, झट दासियों से की गई जागृत वाहु पर दशा। तब तपन नामक नरक से भी यातना पाकर पड़ी, विक्षिप्त से तत्क्षण शिविर से निकल कर वो चल पड़ी। अपने जनों द्वारा उठाकर समर से लाए हुए व्रण पूर्ण निष्प्रभ और शौणित पंख से छाए हुए, प्राणेश शव के निकट जाकर चरम दुख सहती हुई वो नव वधु फिर गिर पड़े। हा नाथ हा कहती हुई इसके अनंत रंक में रखे हुए सुस्नेह से शोभित हुई इस भांति वो निर्जीव पति के देख से, मानव निदागा आरंभ में संतप्त आत्म जाल से छादित हुई विभिन्न स्थली नव पतित की शुभ शान से। फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई कुरुरी सदृश सकरुण गिरा से धैर्य दर्शाती हुई बहुविध विलाप प्रलाप वो करने लगी। इसी शोक में निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। मति गति सुकृति धृति पूज्य पति शोभन संपदा, हा एक ही जो विश्व में सर्वस्व था तेरा सदा। यो नष्ट उसको देख कर भी बन रहा तू भार है, हे कष्ट में जीवन तुझे धिक्कार सौ सौ बार है। जो था तुम्हारे सब सुखों का सार है संसार में, वो गत हुआ है अब यहां से श्रेष्ठ स्वर्गागार में। हे प्राण फिर अब किस लिए ठहरे हुए हो तुम, आओ सुख छोड़ रहना चाहता है कौन जन दुख में करो। अपराध सौ सौ सर्वदा जिसके क्षमा करते रहे, हंसकर तथा सस्नेह जिसके हृदय को हरते रहे, फिर आज उस मुझ किंकरी को कौन से अपराध में। हे नाथ तजते हो यहां इस शोक सिंधु अगाध में, तज दो भले ही तुम मुझे, मैं तज नहीं सकती तुम्हें। वो कौन सा थल है जहां मैं भज नहीं सकती तुम्हें, है विदित मुझको वह निपथ। त्रैलोक्य में तुम हो कहीं, हम नारियों को पति बिना गति दूसरी होती नहीं। जो सहचरी का पद मुझे तुमने दया कर खा लिया, वो था तुम्हारा इसलिए प्राणेश तुमने ले लिया। पर जो तुम्हारी अनुचरी का पुण्य पद मुझको मिला है, दूर हटना तो उसे सकता नहीं कोई मिला। क्या क्या बोलने के योग्य भी अब मैं नहीं देखी गई, ऐसी न पहले तो कभी प्रतिकूलता देखी गई। वे प्रणय संबंधी तुम्हारे प्रण एक नए गए, हे प्राण वल्लभ आज वो समस्त सहसा करा गए। है याद
रात उस दिन जो गिरा तुमने कही थी मधु भाई, जब नेत्र कौतुक से तुम्हारे मुंह कर में रह गई, ये पानी पद्म स्वच्छ मुझसे छिप नहीं सकता कहीं, क्या इस समय हे नाथ मेरे हाथ में ही है नहीं। एक कांत में हंसते हुए सुंदर रथों की पांति से धर चिबुक मामरुचि पूछते थे नित्य तुम बहुत शांति से, वो छवि तुम्हारे उस समय की याद आते ही वही, हे आर्य पुत्र विदीर्ण होता चित्त जाने क्यों नहीं। परिणय समय मंडप तले संबंध दृढ़ता हित रहा, ध्रुव देखने को वचन मुझसे नाथ तुमने का कहा, पर विपुल व्रीड़ा वश में उसका देखना मैं कह सकी, संगति हमारी क्या इसी से ध्रुव न रह सकी। बहु भांति सुनकर सुप्रशंसा और उनमें मन दिए, सुरपुर गए हो नाथ क्या तुम अप्सराओं के लिए, पर जान पड़ती है मुझे ये बात मन में भ्रम भरी, मेरे समान न मानते थे तुम किसी को सुंदर। हाँ अप्सराएं आप तुम पर मर रही होगी बाबा, समता तुम्हारे रूप की त्रैलोक्य में रखी कर, पर प्राप्ति भी उनकी वहां आती नहीं होगी तुम्हें, क्या याद हम सबकी वहां आती नहीं होगी तुम्हें। है ये भुवन ही इंद्र कानन कर्म वीरों के लिए, तुम तो सदा कहते यही थे धन्य हुए प्रिय, ये देव दुर्लभ प्रेम में मुझको मिला प्रिय वर्ग है, मेरे लिए संसार ही नंदन विपिन है स्वर्ग है। जो भूरी भाग भरी विदित थी निरुपमेय सुहागिनी, हे हृदय वल्लभ हूँ वही अब मैं महारत भागिनी, जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनातनी, है अब उसी मुझसे अहो इस जगत में कौन अनाथिनी। जब कभी अब लोग कुछ भी मौन धारे मान से, प्रियतम मनाते थे जिसे तुम विविध वाक्य विधान से, वे वल उसी मुझको अहोब देखते तक हो नहीं, यूं सर्वदा को भूल जाना है सुनाना चाह गया। मैं हूं वही जिसका हुआ था ग्रंथि बंधन साथ में, मैं हूं वही जिसका लिया था हाथ अपने हाथ में, मैं हूं वही जिसको किया था विधि में इतार धार नहीं, भूलो ना मुझको नाथ हूं मैं अनुचरित्य संगी। जो अंग्रा गंकित रुचिर सिद्ध सेज पर थी सोहती, शोभा अपार निहार जिसको मुदित हो मैं मोहती, तब मूर्ति क्षत विक्षत वही निश्चेष्ट अब भू पर पड़ी, और मैं बैठी देखती हूं आय इच्छा दी करी। हे जीवितेश उठो उठो, ये नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य, ये तो भूमि से कठोर है, रख शीश मेरे अंक में जो लेटते थे प्रीति से, ये लेटना अति भिन्न है उस लेटने की रीति से, कितनी विरह मैं कर रही हूं क्लेश से रोते हुए, सुनते नहीं हो किस्त तुम बेसुध पड़े सोते हुए, अप्रिय नमन से भी कभी मैंने तुम्हारा है किया, फिर क्यों निर्देश निज हृदय निर्दय कर दिया, होकर रहूं किसकी अहो अब कौन मेरा है यहां, कह दो तुम्हें बस न्याय से अब और मुझको है कहा, माता पिता आदि भले ही और निज जन हो सभी, पति बिना पत्नी सरा था हो नहीं सकती कहीं, रोका बहुत था हाय मैंने जाई मत युद्ध में, माना न तुमने किंतु कुछ भी निज विपक्ष विरुद्ध में, है देखते यद्यपि जगत में दोष अर्थी जन नहीं, पर वीर जन निज नियम से विचलित नहीं होते कहीं,
किसका करूंगी गर्व मैं अब भाग्य के विस्तार से, किसको रिझाऊं भी आओ अब नित्य नव श्रृंगार से, ज्ञाता यहां अब कौन है मेरे हृदय के हाल का, सिंदूर बिंदु कहां चला हाँ आज मेरे भाग का, नेत्र युक्त भी अंध हूं वैभव सहित भी दीन हूं, वाणी विहित भी मूक हूं पद युक्त भी गतिहीन हूं, हे नाथ घोर विडम है आज मेरी चादरी, जीती हुई भी तुम बिना मैं हूं मरे से भी बुरी, जो शरण अशरण के सदा अवलंब जो गतिहीन के, जो सुख दुख जन के तथा जो बंधु दुर्विध दीन के, चिर शांति दायक देव हे यम आज तुम ही हो, कहा लोगी न क्या हा अंत तुम ही स्वयं सुध मेरी यहां, कहती हुई बहु भांति यो ही भारती करुणामयी, मूर्छित हुए फिर भी आपको वो दुख नहीं विधवा नहीं, फिर शोक उसका सो गया मानो वहां हत चेत होना भी विपद में लाभदायी है वहां। उसी समय कृष्णा सुभद्रा आदि पांडव नारी मानो असुर गण पीड़िता सुर लोक की सुकुमारी, करती हुई बहु भांति क्रंदन आ गई सहसा वहां, प्रत्यक्ष ही लक्षित हुआ दुख दुस्सहसा वहां, विचलित न देखा था कभी जिनको किसी ने लोक में, वे नृप युधिष्ठिर भी स्वयं रोने लगे उस शोक में, गाते हुए अभिमन्यु के गुण भाइयों के संग में, होने लगे वे मग्न से इस आपत्ति सिंधु तरंग में, इस अति विनश्वर विश्व में दुख शोक कहते हैं किसे, दुख भोग कर भी बहुत हमने आज जाना है इसे, निश्चय हमारा जीवन अब हमें भारी हो गया, संसार का संसुख हमारा आज सहसा खो गया, हाँ क्या करें कैसे रहे अब तो रहा जाता नहीं, क्या करें किससे करें कुछ भी कहा जाता नहीं, क्यों कर सहे इस शोक को ये तो सहा जाता नहीं, हे देव इस दुख सिंधु में अब तो बहा जाता नहीं, जिस राज्य के हित शत्रुओं से युद्ध है ये हो रहा, उस राज्य को अब इस भवन में कौन भोगेगा, हे वत्सवर अभिमन्यु वो तो था तुम्हारे ही लिए, पर हाय उसकी प्राप्ति के समय में तो चल दिए, जितना हमारे चित्त को आनंद तुमने था दिया हा अधिक उससे भी उसे शोक से व्याकुल किया, हे वत्स हे वत्स बोलो तो तारा संबंध तोड़ कहां चले, इस शोचनीय प्रसंग में तुम संग छोड़ कहां चले, सुकुमार तुमको जान कर भी युद्ध में जाने दिया, फल योग्य ही है पुत्र उसका शीघ्र हमने पा लिया, परिणाम को सोचे बिना जो लोग करते काम है वे दुख में पड़कर कभी पाते नहीं विश्राम है, तुमको देखे बिना अब धैर्य हम कैसे धरे, कुछ जान पड़ता है नहीं आए अब हम क्या करें, है ये तेरा दुस्सह तुम्हारा हम से कैसे सहे, अर्जुन सुभद्रा द्रौपदी से आए अब हम क्या सहे, है ध्यान भी जिनका भयंकर जो न जा सकते सहे, यद्यपि दृढ़ व्रत पांडवों ने थे अनेकों दुख सहे,
पर हो गए वे हीन से इस दुख के सम्मुख सभी अनुभव बिना जानी न जाती बात कोई नहीं करी यो जान व्याकुल पांडवों को व्यास मुनि आए वहां कहने लगे इस भांति में वचन मन आए वहां हे धर्मराज हे धर्मराज अधीर मत हो योग्य ये तुमको नहीं करते भला क्या विधि नियम पर मोह ध्यान चल करी यम वाच रायण के वचन सुन देख कर उनको तथा कहने लगे नृप युधिष्ठिर और भी पाकर रखा धीरज धर्म है तात कैसे जल रहा मेरा किया हाय ये क्या हो गया दुर्दैव ने ये क्या किया जो सर्वदा को शून्य लगती आज हम सबको धरा जो नाथ हीन अनाथ जग में हो गई है उत्तरा हो हे तो इसका मुख्य वही हाँ मुझे धिक्कार है मत धर्म राज कहो इसे ये क्रूर जन्मो भार है है पुत्र दुर्लभ सर्व था अभिमन्यु सा संसार में थे सर्व गुण उस धर्मधारी धीर वीर कुमार में वो बाल होकर भी मृदुल अति प्रौढ़ था निज काम में बातें अलौकिक थी सभी उस दिव्य शोभा धाम में क्या रूप में क्या शक्ति में क्या बुद्धि में क्या ज्ञान में गुणवान वैसा अन्य जन आता नहीं है ध्यान में पर हाय केवल रह गई है अब यहां उसकी कथा धिक्कार है संसार की निस्सारता को सर्वथा प्रतिदिवस इसी समय आकर मोदयुक्त संग्राम से करता हृदय मेरा मुदित था भक्ति युक्त प्रणाम से हाँ आज वो अभिमन्यु मेरा मृतक भूपर है पड़ा होगा कहो इससे होगा कहो इससे अधिक मुझसे अब दुख क्या इससे बड़ा करने पड़ेंगे यद्यपि अपनी काम सर्जन में हमें चलना पड़ेगा यद्यपि अपनी विश्व के मन में हमें सच जानिए पर अब ना होगा हृदय लीन उमंग में सुख की सभी बातें गई सौभद्र के संग में उसके बिना अब तो हमें कुछ भी सुहाता है नहीं हाँ क्या करें हत हृदय दुख से शांति पाता है नहीं था लोक आलोकित उसी से अब अंधेरा है हमें किस दोष से दुर्भाग्य ने ये आज घेरा है हमें उसकी मनोरम मूर्ति अब भी सिर फिर रही है सामने पर साथ ही दुख की घटा भी गिर रही है सामने हम देखते हैं प्रकट उसको किंतु पाते हैं नहीं हाँ स्वप्न के वैभव किसी के काम आते हैं नहीं कैसी हुई होगी अहो उसकी दशा उस काल में जब वो फंसा होगा अकेला शत्रुओं के जाल में बस अंत में उसने कहे थे वचन ये दुख से भरे निरुपाय निरुपाय तब अभिमन्यु ये अन्याय से मरता हरे निरुपाय तब अभिमन्यु ये अन्याय से मरता हरे कहकर वचन कौन थे यूं फिर मौन दुख से हो गए दृग्वीर से तत्काल युगम कपोल उनके हो गए तब व्यास मुनि ने फिर उन्हें धीरज बंधाया युक्ति से आख्यान समयोचित सुनाया विविध उत्तम उक्ति से उसी समय संसप्तकों को युद्ध में संहार के लौटे धनंजय विजय का आनंद और में धार के होने लगे पर मार्ग में अपशकुन बहुविध जब उन्हें खलने लगी अति चित्त में चिंता कुशल की तब उन्हें कुविचार वारंवार उनके चित्त में आने लगे आने
आनंद और प्रसन्नता के भाव समझाने लगे, तब व्यग्र होकर के कहा, कहने लगे भगवान से होगी ना आतुरता किसे आपत्ति के अनुमान से। हे मित्र मेरा मन न जाने हो रहा क्यों व्यस्त है, इस समय पल पल में मुझे अपशकुन करता त्रस्त है। तुम धर्म राज सभी परत को शीघ्रता से ले चलो, भगवान मेरे शत्रुओं की सब दुराशाएं दलो। बहु भांति तब सर्वज्ञ हरि ने शीघ्र समझाया उन्हें सुनकर मधुर के वचन, संतोष कुछ आया उन्हें पर स्वजन चिंता रज बंधन हाय कदापि न टूटता, जो भाव जम जाता हृदय में वो न सरता छूटता। करते हुए निज चित्त में नाना विचार नए नए, निज भाइयों के पास आतुर आर्त अर्जुन आवे, तप तप्त तरुओं के सदृश तब देख कर कापित उन्हें, व्याकुल हुए वे और भी कर कुशल विज्ञापित हुए। अवलोकते ही हरि सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े, तब धर्म राज विषाद से विचलित शिक्षण हो पड़े, वे यत्न से रोके हुए शोकाश्रु फिर गिरने लगे, दुख के वे दृश्य उनके दृष्टि में फिरने लगे। कहते हुए कारुण्य वाणी दीन हो उस काल में देखे गए, इस भांति में जलते हुए दुख ज्वाल में व्याकुल हुए खद वृंद के चीतकार से पूरे शरीर दावाग्नि कमलित वृक्ष जो देता दिखाई है कभी। हे जनार्दन आपने ये क्या दिखाया है हमें, हे देव किस दुर्भाग्य से ये दुख आया है हमें, आपके रहते हुए भी हाय ये क्या हो गया, अभिमन्य रूपी रत्न जो सहसा हमारा खो गया, निज राज्य लेने से हमें हे तात अब क्या काम है, होता अहो फिर व्यर्थ ही क्यों ये महासंग्राम है, क्या ये हमारी हानि भारी राज्य से मिट जाएगी, त्रैलोक की भी संपदा उस रत्न को क्या पाएगी, मेरे लिए ही भेद करके व्यूह द्रोणाचार्य का मारे सहस्त्रो शूर उसने ध्यान दर्प ये कार्य का, पर अंत में अन्याय से निरुपाय होकर के वहां हा हंत वो हत हो गया पाऊ से अब मैं कहा, उद्योग हम सबने बहुत उसके बचाने का किया पर खंड जयद्रथ ने हमें भीतर नहीं जाने दिया, रहते हुए भी सो हमारे युद्ध में वो हत हुआ, अब क्या रहा सर्वस्व ही आहा हमारा गत हुआ। पापी जयद्रथ पार उसने जब न रण में पा सका, उस वीर के जीते हुए उसका मुख न जब वो जा सका, तब मृतक उसको देख सिर पर पैर रखा नीचे, तब मृतक उसको देख सिर पर पैर रखा नीचे, आहार युवन जत्व को भी स्मरण रखा नीचे। श्री कृष्ण से जब ज्येष्ठ पांडव थे वचन यूं कह रहे, अर्जुन हृदय पर हाथ रखे हे महादुख सह रहे, हा पुत्र कहकर शीघ्र ही फिर वे वहीं पर गिर पड़े, क्या वज्र गिरने पर बड़े भी वृक्ष रह सकते खड़े, जो शस्त्र शत शत शत्रुओं के सहन करते थे खड़े,
वे पार्थ ही शिशुक के आघात से जब गिर पड़े तब और साधारण जनों के दुख की है क्या कथा। होती अतीव अपार है सुत शोक की दुस्सहता। यो देख भक्तों को प्रपीड़ित शोक के उस भार से कुछ द्रवित अच्युत भी हुए कारुण्य के संचार से। तल मध्य अनल सपोट से भूकंप होता है जहां होते विकंपित से नहीं क्या अचल भूधर हुआ। श्री वत्सलांचल विष्णु तल कहकर वचन प्रज्ञा पढ़े धीरज बताकर पांडवों को शीघ्र समझाने लगे। हरने लगे सब शोक उनका ज्ञान के आलोक में कुछ शांति देती है परों की सांत्वना ही शोक है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर भवति भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मनाम सृजाम्यं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि जगे जगे। हे परंतप ताप सहकर चित्त में धीरज धरो। हे धीर भारत हो न आरत शोक को कुछ कम करो। पड़ता समय है वीर पर ही वीर कायर पर नहीं दृढ़ भाव अपना विपद में भी भूलते गुरुवर नहीं। निज जन विरह के शोक का दुख दाह कौन न जानता पर मृत्यु का होना नजर में कौन निश्चित मानता। सहनी नहीं पड़ती किसे प्रिय विरह की दुस्सह व्यथा क्या फिर हमें कहनी पड़ेगी आज गीता की कथा। आते बुरे दिन बीतने पर मनुज के जग में जहां जाते हुए कोई ना कोई दुख ले जाते वहां। अतएव अब निश्चय तुम्हारे उदय का आरंभ है होगा अधिक अब दुख क्या ये सब दुखों का खंभ है। जिस बात से निज शत्रुओं को स्वल्प सा भी खर्च हो है योग्य उसका त्याग ही बाधा क्यों दुर्दर्श हो। वो वीर ही क्या हो वीर ही क्या शत्रु का सुख दे तो हो जो आप ही निज शत्रु का तो बढ़ाना चाहिए संताप ही। जिन पावरों ने सर्वदा ही दुख तुमको है दिया षड्यंत्र रच रच कर हमेशा विभव सारा हर लिया। उन पापियों को देखते क्या योग्य है रोना तुम्हें निज शत्रु सम्मुख तो उचित है बुद्धि के होना तो नहीं। निज जन्म विरह का शोक तो आजन्म रहता है बना पर चाहिए सबको सदा कर्तव्य अपना पालना। सो सब सोच कर ही शोक में ना रहो पड़े लो शीघ्र बदला धैर्य उसे धैर्य धरकर हो खड़े। मारा जिन्होंने युद्ध में अभिमन्यु को अन्याय से सर्वस्व मानो है हमारा हर लिया दुरुपाय से। हे अमर हे वीर अमर इस पाप का फल क्या उन्हें दोगे नहीं इस दैर का बदला कहो क्या शीघ्र तुम लोगे नहीं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध में जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर कर्तल युगल मलने लगे संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े करते हुए युग घोषणा में हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मुख बाल रवि सब लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ प्रलयार्थ उनके विश्वहां क्या कान ही क्रोधित हुआ। युग नेत्र उनके जो अभी थे पूर्ण जल की धार थे वे रोष के मारे हुए दहकते अंधार से निश्चय अरुणिमा निस्सअनल की जल उठी को ज्वा रही। तब तो दृगों का जल गया
शव का शिव जल तत्काल की निखर कर नासा पुटो से व्यक्त करके वो शिव व्यक्त करके वो शिव निश्वास उनका करने लगा बुरी भीषण घोषित जिस भांति हरने पर किसी के प्राण से भी प्रिय मणि फुंकार भरता है फणि साक्षी रहे संसार साक्षी निस्तार है दुर्वृत्त तेरा प्राण कोई कर नहीं सकता कहीं वीर प्रतिज्ञा विश्व में होती असत्य कभी नहीं विश्वधर बनेगा होश मेरा विश्वधर बनेगा होश मेरा खल तुझे पाताल में दावाग्नि होगी विपन में बाणव जल निजल जाल में जो व्योम में तू जाएगा तो वज्र वहां पर जाएगा चाहे जहां जाकर रहे जीवित न तू रह पाएगा छोटे बड़े जितने जगत में पुण्य नाशक पाप है लौकिक तथा जो पार लौकिक उष्णतर संताप है हो प्राप्त वे सब सर्वदा को दो विलंब बिना मुझे कल शाम तक रणमध्य में जो न मैं मारू तुझे अथवा अधिक कहना मिथा है पार्थ का प्रण है यही साक्षी रहे सुनिए वचन रवि शशि अनल अंबर मही सूर्यास्त से पहले न जो मैं कल जयद्रथ वध करूं तो शपथ करता हूं स्वयं मैं ही अनल में जन्म लूं सूर्यास्त से पहले न जो मैं कल जयद्रथ वध करूं तो शपथ करता हूं स्वयं मैं ही अनल में जन्म लूं करके प्रतिज्ञा न्यू क्रीटी क्रोध के उद्घार से करने लगे घोषित दिशाएं मनुष्य के कंकार से उस समय उनकी दीप्ति ने वो दृश्य याद करा दिया जब शारंग पानी उपेंद्र ने था रोष अस्त्रों पर किया सुन पार्थ का प्रण रौद्र रस में वीर सब बहने लगे कह साधु साधु प्रसन्न हो श्री कृष्ण यूं कहने लगे ये भारती है वीर भारत योग्य ही तुमने कही जिन पापियों के विषय में कर्तव्य है समझित यही इसके अनंतर मुदित माधव कम मुरव करने लगे प्रण के विषय में पांडवों का सोच सा हरने लगे प्रिय पांच जन्य करस्थ हो मुख लग्न शोभित हुआ कल हंस मानो कंजमन में आ गया लोभित हुआ फिर भीम अर्जुन आदि भी निज शंख रव करने लगे पीछे उन्हीं के सैन्य में रणवाद्य मन हरने लगे तब गूंज कर वो घोर रव सब ओर यूं भरने लगा मानो चराचर विश्व को ही नादमय करने लगा करके श्रवण उस नाद को और बहुत शंकित हुए नाना नवीन विचार उनके चित्त में अंकित हुए पार्थ प्रतिज्ञा भी उन्होंने दूत के द्वारा सुनी जो दैत्यगण ने जिष्णु जय जी मूत के द्वारा सुनी ग्रीष्मांत में घन नाद सुनकर भीत होता हंस ज्यो व्याकुल हुआ सुन ये वचन तब सिंधु राज मिशन से प्रत्यक्ष था निज रूप उसको मृत्यु दिखलाने लगी दावाग्नि सी बढ़ती हुई निकट तक आने लगी कर्तव्य मूल समान हो चिंताग्नि में जलने लगा निज कृत्य बार बार उसको चित्त में खलने लगा देखा ना और पदार्थ कोई मृत्यु से प्यार देखा ना और पदार्थ कोई निज जीवन से प्यारा कोई कहीं है वस्तु अप्रिय अन्य जन्म मृत्यु से बढ़कर नहीं
आशा उसे कुछ भी न जीवन की रही, बस दीख ने उसको लगी कि मृत्यु में सारी बनी। तब वो सुयोधन के निकट आया फंसा भय जाल में, गति है न सहधन ने सुहर्जनों से फिर नापक काल में। कारण समझ कर भी उसे व्याकुल विलोक का जब वहां पूछा सुयोधन ने स्वयं भय हेतु उसका तब वहां होकर चकित्सा थकित्सा सब ओर से जाकर ठगा भय से विकृत अप्रकृत स्वर में वचन वो कहने लगा। जो प्रण किया है पार्थ ने सुख शोक के संताप से, हे कुरु कुलोत्तम क्या अभी तक वो छिपा है आपसे। मालूम जयद्रथ को न कर मैं दो अनल में जल मरू कि मैं यही उसने प्रतिज्ञा कहो मैं चाह रही। कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है, भय और चिंता युक्त मेरा जल रहा संघात है। अतः वो मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिए या पार्थ प्राण करने फल अन्यत्र जाने दीजिए। मैं सत्य कहता हूं नहीं है मृत्यु की शंका मुझे, सब दीप्त जीवन दीप बुझते हैं मुझे ये है मुझे है किंतु मुझको चित्त में चिंता प्रबल केवल यही। अब देख पाऊंगा तुम्हारी मेहनत इस कंटक में इस भांति उसके सुन वचन कुरुराज बोला प्रेम से, हे वीर तुम निशंक सो क्षेम से, जब तक हमारे पक्ष का जन एक भी जीवन धरे है कौन ऐसा जो तुम्हारा बाल भी बांका करे। ये प्राण हमारे भाग्य से ही धनंजय ने किया, होगी सहज भी में हमारी अब सफल सारी क्रिया। कर्णादि के रहते हुए क्या वो सफलता पाएगा, कल शाम को चलकर अनल में वो स्वयं मर जाएगा। अर्जुन बिना जीवित रहेंगे धर्मराज नहीं कभी, सो यो स्वयं के वो हमारे नष्ट अब होके सही। कर्ण द्रोणाचार्य जिसके प्राण के हित हो खड़े, बस जान लो सब शत्रु उसके मृत्यु के मुख में पड़े। अन्यत्र जाने की अपेक्षा योग्य है रहना यही, रक्षा तुम्हारी विश्व में अन्यत्र संभव है नहीं। कृत कर्ण द्रोणाचार्य से बलवान है कोई कहीं, रक्षक जहां आत्मीय जन हो योग्य है रहना वही। कहकर वचन गुरुराज ने यो जब उसे धीरज दिया, हो स्वस्थ उसने तब नृपति का बहुत अभिनंदन किया। कर्णादि ने भी दूध की बहुभांति उसकी यंत्रणा करने लगे, फिर अंत में सब युद्ध विषयक मंत्रणा। इस ओर देकर पांडवों को शांतिदायी सांत्वना अभिमन्यु शव संस्कार की श्री कृष्ण ने की योजना। कृष्णादि से निष्ठित उसे भगवान ने देखा यथा मुरझी लताओं के निकट सूखा प्रसून पड़ा यथा। कृष्णा सुभद्रा आदि को अवलोक कर रोते हुए हरि के हृदय में भी वहां कुछ कुछ करोड़ रस कण चुने। आते हुए अवलोक उनको देह भान विसार के बोली सुभद्रा मृतक वत्सा गो समान पुकार के, भैया भैया कहो मेरे दृगों का आज तारा है कहा, मुझ दुखिनी हत भागिनी का सौख्य सारा है कहा। सर्वस्व गुण संपन्न वो अनुचर तुम्हारा है कहा, हा पांडु वंश प्रदीप हो अभिमन्यु प्यारा है कहा। भैया तुम्हें क्या विश्व में मुझको दिखाना था यही, हाथ जल गया ये हथ हृदय दृग ज्योति सब जाती रही। तब काल गति के मार्ग में अभिमन्यु ही था क्या हो करुणा निधे,
करुणा तुम्हारी आई ये कैसी करो। रोने लगी यूं कह सुभद्रा दुख वेग ना वो सह सकी, पर रुद्ध कट्ठा द्रौपदी कुछ भी ना उनसे कह सकी। बस अश्रु पूर्ण विलोचन से देख कर हरि को वहां निर्जीव सी वो रह गई बैठी जागती ही का। मानो गिरा भी कह सकी पीड़ा ना उसकी हार के, वो दुखिनी चुप रह गई हरि को समक्ष निहार के। बस अश्रु जल अवरुद्ध उसकी दृष्टि ने मानो कहा, अब और क्या इस दुखिनी को देखना बाकी रहा। यो जानकर सबको दुखी लख उत्तरा उत्ताप को, भूले रहे भगवान भी कुछ देर अपने आप को। फिर रोक करुणा वेग सबको शीघ्र समझाने लगे, उस शोक सागर से उन्हें तट ओर ले जाने लगे। धीरज धरो कृष्णे आहो, भद्रे सुभद्रे शांत हो, गति है यही तरणधारियों की शोक से पतभ्रांत हो। ये कौन कह सकता कि अब अभिमन्यु जीवित है नहीं, जब में सदा को कीर्ति करना है भला मरना कहीं। जब तक प्रकाश समर्थ होगा अंधकार विनाश में, जब तक उदित होते रहेंगे रवि शशि आकाश में, अभिमन्यु का विश्वत रहेगा नाम तब तक सब कहीं। नश्वर जगत में जन्म लेकर वीर बनते हैं, आ जन्म तप करके कठिन मुनि भी न जा सकते जहां, संसार के बंधन कभी कोई ना आ सकते जहां। अक्षय सब सुख है जहां, दुख एक भी होता नहीं, सच जान कर मेरे वचन अभिमन्यु को मानो वही। वो वीर नश्वर देह तज कर आप तो है ही जी, पर सत्य सब जो है तुम्हें भी अमर उसने कर दिया। ऐसे समर्थ सपूत का तुम शोक करती हो आहो, उसकी सहज की मृत्यु ने गौरव कहां था ये कहो। यूं कह वचन श्री कृष्ण ने जब ज्ञान उन सबको लिया, कुछ शांत जब हरि शांत होना से हो गया उनका किया, तब युग नृगों से दुखमय अविरल सलिल धारा बहा, पाकर तरिक अवलंब सा युग याज्ञ से निकला। धिक्कार है एक तात ऐसी अमरता पर लोक में, जीना किसे स्वीकार है आजन्म रहकर शोक में। पूरे हुए हैं क्या हमारे पूर्व पाप नहीं अभी, हाँ वो हमारा पुत्र प्यारा फिर मिलेगा क्या क्षण। अभिमन्यु को मृत देख कर भी हाय मैं जीती रही, हाँ क्यों न मुझे हत भागनी के अर्थ पट जाती मरी। दुख भोगने के लिए ही क्या जन्म है मेरा हुआ, हाँ कब रहा जीवन न मेरा शोक से घेरा हुआ। मेरे हृदय के हर्ष का अभिमन्यु अब तो है कहा, दृग खोल कर बेटा तरक तो देखा हम सबको कहा। मामा खड़े हैं पास तेरे, तू वहीं पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा। व्याकुल तनिक भी देख कर तू धैर्य देता था मुझे, पर आज मेरे पुत्र प्यारे हो गया है क्या तुझे। धात्री सुभद्रा को समझ मान मुझे था मानता, पर आज तू ऐसा हुआ मानो न था पहचानता। हाँ हाँ पांच ग्रामों की बुरी वो संत जब होने लगी, सुनकर तथा जिस बात को थी मैं बहुत रोने लगी। क्या याद है था पांडवों के सामने तुमने कहा, स्वीकृत नहीं ये संत मुझको मान हुआ सुभा।
रहते हुए भी शस्त्रधारी पांडवों के साथ में हाथ तू अकेला हाथ हुआ पड़ पापियों के हाथ में कोई ना कुछ भी कर सका ऐसा अनर्थ हुआ किया भिक पांडवों की शूरता भिक शस्त्रधार की क्रिया कहती हुई द्रौपदी का कंठ गदगद हो गया विश्ववेद के सम शोक से चैतन्य उसका खो गया हरि ने उसे सजग कर व्यजनादि के उपचार से दी सांत्वना समय उपयोगी ज्ञान के विस्तार से अभिमन्यु के दर्शन बिना तुमको न रोना चाहिए उसकी परम पद प्राप्ति सुनकर शांत होना चाहिए ले जन्म क्षण भंगो जगत में कौन मरता है नहीं पर है उचित मरना जहां पर वीर मरते हैं वही अभिमन्यु के घातक सभी अति शीघ्र मारे जाएंगे तुम स्वस्थ हो इस पाप का वे दंड पूरा पाएंगे करते अभी तक पार्थ थे जो युद्ध करना धीर हो बन जाएंगे वे रुद्र रण में रोष में अति लीन होगा जयद्रथ कल निहत प्रण कर चुके अर्जुन अभी धीरज धरो अतएव मन में शांत होकर तुम सभी दो धैर्य मेरी ओर से सब उत्तरा के चित्त को सुप्त रूप में वो पाएगी खोए हुए निज को श्री कृष्ण ने इस भांति सबको लीन करके ज्ञान में प्रस्तुत कराई शीघ्र ही चंदन चिता सुस्थान में अभिमन्यु का मृतदेह उस पर शांति से रखा गया जो क्रूरता की गोद में कारुण्य का भाजन है होकर ज्वलित तत्क्षण चिता की ज्वाल ने नभ को छुआ पर उस वियोग विपत्ति में दुरा उत्तरा का क्या हुआ उस दर्द हृदय को मरण भी हो गया दुष्कर्म वो गर्भिणी थी इसलिए निज तनु से रखना पड़ा अभिमन्यु का तनु जल गया तत्काल ज्वाला झाल से पर कीर्ति नष्ट ना हो सकी उस वीर वर की काल से अच्छा बुरा बस नाम ही रहता सदा इस लोक में वे धन्य हैं जिनके लिए हो लीन सज्जन शोक में हे वीर वर अभिमन्यु तुम हो यद्यपि सुरलोक में पर अंत तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा विश्व में तब शत्रुओं के नाम पर धिक्कार होगा विश्व में प्रथम वक्र तुम्हें पंचमं षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विष्णुराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवम भालचंद्रं चंद्रशं विनायकं गाधिशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतान्यमानि प्रसन्नं यापते नरा न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थि लभते विद्यां धनार्थि लभते धनं पुत्रार्थि लभते पुत्रान् मोक्षार्थि लभते पतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यौ प्राणेभ्यः स्मृतित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादः इसके अनंतर कृष्ण ने सबको बहुत धीरज दिया फिर आर्त अर्जुन को वहां इस भांति उत्तेजित किया अत्यंत रोषावेग में तुमने किया है प्रण कड़ा अब यत्न क्या इसका सखे ये कार्य है दुष्कर्म यो सुन वचन गोविंद के निर्भय धनंजय ने कहा वीरत्व करुणा शांति का त्रिसूत गंगाधर बना
निश्चय मरेगा कल जयद्रथ, प्राप्त होगी जय मुझे, हे देव मेरे यत्न तुम हो, मत दिखाओ भय मुझे। कहते हुए जो पार्थ के जो बूंद आंसू गिर पड़े, मानो हुए दो सीपियों से व्यक्त दो मोती पड़े, फिर मौन होकर निज शिविर में वे तुरंत चले गए। छलने चले थे भक्त को, भगवान स्वयं चले गए। हर शोक पांडव पक्ष का निज शिविर में भारी भी गए, फिर शीघ्र ही भगवान ने प्रकटित किए कौतुक ने। कर योग माया को सजग, निद्रित दशा की व्याप्ति को, झट ले चले वे पार्थ को शिव निकट अस्त्र प्राप्ति को। लख प्राकृतिक छवि मार्ग में गिरी वन नदी नभ की नई, विस्मित हुए अत्यंत अर्जुन आत्म विस्मृति हो गई। उस काल उनका शोक भी चिंता सहित जाता रहा, हो प्रेम से पुलकित उन्होंने यूं रमापति से कहा, महिमा तुम्हारी दीखती सब और भी अद्भुत करे, कौशल तुम्हारे हैं सभी अत्यंत अनुपमता भरे, करती प्रकाशित नित्य नूतन छवि तुम्हारी सृष्टि है, पड़ती जहां अड़ती वही हटती नहीं फिर दृष्टि है, आकाश में चलते हुए छवि दिखाई दे रही, मानो जगत को गोद देकर मोद देती है वही, उन्नत हिमालय से धवल ये सुरसरियों टूटती, मानो पयोदर के धरा से दुग्ध धारा छूटती, निद्रित दशा में सृष्टि सारी पार ही विश्राम है, निस्तब्ध निश्चल प्रकृति की शोभा परम अभिराम है, भूषण सदृश उद्गण हुए मुख चंद्र शोभा छा रही, विमलांबरा रजनी मधु अभी सारिका सी जा रही, खग वृंद सोता है अता कलकल नहीं होता जहां, बस मंद मारुति का गमन ही मौन खोता है जहां, इस भांति धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा, यूं दिखते हैं वृक्ष ये हो विश्व के प्रभी यथा, कर पार गिरी वन नद यद्यपि कैलाश को हम जा रहे, पर दृश्य आगे के स्वयं मानो निकट सब आ रहे, गोविंद गोविंद पीछे तो आओ देखो तनिक दृघ फेर के, तम कर रहा है लीन सा क्रम से जगत को घेर के, मधुबन मधुगंध मणिमय मंदिरों से फैलती सुंदर यहां, यो दीखती अलकापुरी उपमा हो इसकी कहा, गाते प्रियाओं के सहित रस राग यक्ष जहां तहां, प्रत्यक्ष ही उत्तर दिशा को दीखती लक्ष्मी यहां, कहते हुए यो पार्थ पर सहसा उदासी छा गई, उत्तर दिशा से उत्तरा की याद उनको आ गए, हा निर्जनों का शोक सबको स्वप्न में भी सालता, मृत बंधुओं का शोक ही मन को विकल कर डालता, बोले वचन भगवान तब उनसे प्रचुर प्रियता पगे, हे वीर भारत व्यर्थ को फिर व्यग्र तुम होने लगे, अब तक तुम्हारा शोक क्या ये पूर्ववत अनिवार्य है, दुर्बल बनाकर मोह मन को नष्ट करता कार्य, यो सुन वचन गोविंद के कुछ उत्तर ना अर्जुन ने दिया, अतएव उनके स्कंद पर हरिये करारोपण किया, तब पड़ गए अवसन्न वे वैचित्र की सी सृष्टि में, था वो नितांत नवीन जो कुछ दृश्य आया दृष्टि में, देखा उन्होंने तब की मानो वे बहुत ऊपर गए, रवि चंद्र लोकों के मिले बहु दिव्य दृश्य नए नए, चलते हुए फिर अंत में वैकुंठ दीख पड़ाव में,
अवलोक उसके अभी हुआ, आश्चर्य हर्ष बड़ा हुए। उज्जवल मनोरम थी वहां की भूमि सारी स्वर्ण की, थी जड़ रही जिनमें विपुल मणियां अनेकों वर्ण की, प्रत्येक पथ के पार्श्व में फूले हुए बहु फूल थे, उड़ते हुए जिनके रजकण दिव्य शोभा मूल थे, जिनके सुधामय विमल जल कोमल सुगंधि सने हुए, कुंडादि सलिलाशय रुचिर थे ठौर ठौर बने हुए, जोड़े मिलिंदों के मुदित जिनसे मनोज्ञ मिले हुए, नरिनी नरिन आदिक जलज थे एक साथ खिले हुए, जिन पर कहीं मणि की शिलाएं तृण वितान कहीं कहीं, छोटे बड़े क्रीडरादि थे शोभायमान कहीं कहीं, थे नाचते केकी कहीं, थे नाचते केकी कहीं, थे हंस पुंज कहीं कहीं, निर्झर कहीं थे झर रहे, थे रम्य पुंज कहीं कहीं, सब लोग अजरा मरवा के रूपवान विशेष थे, बलवान शिष्ट वरिष्ठ जिनके दृग सदा अनिवेश थे, सब अंग सुगठित श्रेष्ठ सबके सुवर्ण वर्ण अशेष थे, वर्णन किए जाते नहीं ऐसे मनोहर वेश थे, हो देख कर लज्जित जिन्हें काश्मीर कुमकुम के आए, थी ठौर ठौर विहार करती सुंदरी सुर नारियां, सबके मुखों पर छा रही थी हर्ष की दिव्य प्रभा, मानो असंख्य सुधारकों की थी वहां शोभित सभा, सुर गण कहीं वीणा बजाकर हरि चरित्र गा रहे, कोई कहीं थे आ रहे कोई कहीं थे जा रहे, सर्वत्र क्रीड़ाएं रुचिर बहुभांति की थी हो रही, थी भद्र भावों की हुई पूरी पराकाष्ठा बनी, दुख शोक आदि व्याधि चिंताएं न कोई थी वहां, आनंद उत्सव प्रेम के ही साज थे देखो जहां, मद मोह राग द्वेष के भी चिन्ह थे मिलते नहीं, सर्वत्र शांति पवित्रता थी पाप ताप न थे कहीं, इस जन्म में वैकुंठ था देखा ना अर्जुन ने कहीं, प्रच्छन्न भित्ति कपाट आदि रत्न थे विचरित सभी, बहु वर्ण किरणों का वहां आलोक अति उदंड था, देखा हुआ मारतंड मानो एक उसका खंड था, जाति जहां तक दृष्टि थी मिलता न उसका छोर था, मंदार कल्पादिक ध्रुवों का दृश्य चारों ओर था, अद्भुत अनेकों रंग के स्वच्छंद खग थे गा रहे, शीतल सुगंध समीर के थे मंद चौके आ रहे, रमा सहित शोभित वहां भगवान थे, घन दान मिली जिनके उभय छाया प्रकाश समान थे, थी चंचला अचला जहां सर्वेश शोभित थे वहां, वैभव वहां का सा भला त्रैलोक्य में होगा था, अवलोक आभूषण छटा होती अनल की प्राप्ति थी, करती अतिक्रम किंतु उनको दिव्य उनकी कांति थी, सानंद सानंद सिंहासन निकट थी सिद्धियां सारी खड़ी, थी व्यक्त रति घृति धृति क्षमादिक शांति युक्त प्यारी बड़ी, शिव विधि सुरभ रवि शशि यमादिक भक्ति से थे भरत रे, करते हुए मुस्कान हरि सब पर कृपा कर रहे। इसके अनंतर पार्थ ने परिपूर्ण प्रेम उमंग में
आता हुआ अभिमन्यु देखा जय विजय के संग में। अब लोग उसकी छवि उन्हें सुध बुध रही न शरीर की, शोभा सहस्त्र गुणी प्रथम से थी अधिक सुवीर की। कर जोड़ कर अभिमन्यु ने प्रभु को प्रणाम किया, फिर सिर झुकाकर सब सुरों से स्वस्ति वाद लिया। वहां सब देव उसके कर्म का सम्मान अति करने लगे, उस काल मानो पार्थ सुख के सिंधु में तरने लगे। था जो अशेष अभीष्टदायक नित्य रहता था खिला, वात्सल्य युक्त अभिमन्यु को वो पद्म पद्मा से मिला। फिर दिव्य दर्शनों से प्रभा की दृष्टि करते हुए बोले वचन भगवान ही सबका हृदय हरते हुए, संतुष्ट तूने है किया निज धर्म पालन से मुझे, सौभद्र निज सामीप्य में देता सदा को हूं तुझे। पर और भी कुछ मांग वर वृत्त तेरा घेर है, अपने जनों के अर्थ मुझको कौन वस्तु अधेय है। अति मुग्ध होकर पार्थ ने जब मूंद आंखों को लिया, पर खोलने पर फिर न वैसा दृश्य दिखाई दिया। सुस्मित वदन श्री कृष्ण को ही सामने देखा खड़ा, चित्तस्थ से भी रह गए करते हुए विस्मरण। उस समय जिस दृश्य से सुध बुध न अर्जुन को रही, राजा युधिष्ठिर आदि ने भी स्वप्न में देखा होगी। उस लोक नाटक सूत्रधार के ठाठ अति अभिराम है, वो एक होकर भी सदा करता अनेकों काम है। तत्काल अर्जुन से वहां बोले वचन भगवान यो, हे वीर तुम निश्चेष्ट से क्या कर रहे थे ध्यान यो, अब भी तुम्हारा दुखदायी मोह क्या छूटा नहीं, अब भी प्रबल परतंत्रता का जाल क्या छूटा नहीं। अभिमन्यु विश्व के शोक जो अब भी हो तुम्हें हो तो कहो, गुरु पुत्र सब लादू से मैं स्वस्थ रूप में तो रहो। पर याद रखो बात ये, रहता न तनु स्थाई कहीं, बंधन विनश्वर विश्व का है सत्य सुखदाई नहीं। सच्चे अभीष्ट स्थान का बस मार्ग ही संसार है, साफल्य पूर्वक कर चुका अभिमन्यु उसको पार है। क्या शोक करना चाहिए उसके लिए मन में तुम्हें, वो पुण्य पद क्या दिखता है विश्व बंधन में तुम्हें। तनु धारियों का बस यहां पर चार दिन का मेल है, इस मेल के की मोह से जाता बिगड़ सब खेल है। संसार में सब प्राणियों का देह तक संबंध है, पर मोह बंधन में मनुष्य बनता स्वयं ही अंध है। संपूर्ण दुखों का जगत में मोह की बस मूल है, भावी विषय पर व्यर्थ मन में शोक करना भूल है। निज इष्ट साधन के लिए संसार धारा में बहे, पर नीर से नीरज सदृश इससे अलिप्त बना रहे। उत्पत्ति होती है जहां पर नाश भी होता वहां, होता विकास जहां सके है हरास भी होता वहां, होता जहां पर सौख्य है दुख भी वहां अनिवार्य है, करती प्रकृति अभिराम अपना नियम पूर्वक कार्य है। सुख दुख विचार विहीन तुमको कर्म का अधिकार है, रहना नहीं कहां पाना अचल उद्धार है। माना न तुमने एक भी सौ सौ तरह हमने कहा, अब भी तुम्हारा चित्त क्या व्याकुल विमोहित हो रहा। गद गद हृदय से पार्थ तब बोले वचन श्रद्धा भरे, लीला तुम्हारी है विलक्षण हे अखिल लोचन करे।
इस आपदा से त्राण मेरा कौन करता तुम बिना, प्रत्यक्ष दिखलाकर सभी दुख कौन करता तुम बिना, जो कुछ दिखाया आज तुमने वो न भूलेगा कभी, क्या दृष्टि में फिर और ऐसा दृश्य भूलेगा कभी। कहते हुए यूं पार्थ फिर हरि के पदों में गिर गए, प्रभु ने किए तब प्रकट उन पर प्रेम भाव नए नए। इसके अनंतर पार्थ युद्ध कैलाश पर हरि आ गए, मानो सुयश के पुंज पर युग कंज छवि से छा गए। शिवा सेवित वहां ध्यानस्त शंकर की छटा, मानो सुधांशु कला निकट निश्चल शरद की सित घटा। अर्जुन समेत रमेश ने गौरीश का वंदन किया, उठ शंभु ने उनका बहुत सानंद अभिनंदन किया। आशीष देकर पार्थ को वंदन किया भगवान का, रखते बड़े जन ध्यान है सबके उचित सम्मान का। कर पुण्य दर्शन भक्त युक्त भगवान का निज देह में, कृत कृतता मानी गिरीश ने मग्न हो सुस्नेह में। फिर नम्रता पूर्वक कहा, किस हेतु इतना श्रम किया। हरि हंस गए, हंस आप हर ने अस्त्र अर्जुन को दिया, वो अस्त्र पाकर पार्थ के औदास्य का उपशम हुआ। अति तेज उनका वज्रधारी इंद्र के ही सम हुआ, समझा मरा हिस्सा उन्होंने शत्रु पर अपना, वही प्रभु का प्रसाद विशेष करता है कृतार्थ किसे नहीं। होने लगे फिर हरि विदा सानंद जब श्री कंठ से, कर प्रार्थना तब पार्थ बोले प्रेम गदगद कंठ से, हे भक्त वत्सल, हे भक्त वत्सल ईश तुमको बार बार प्रणाम है। सर्वेश मंगल कीजियो शंकर तुम्हारा नाम है। रख हाथ सिर पर शंभु ने जय दान अर्जुन को दिया, प्रस्थान अपने स्थान को हरियुक्त उन्होंने तब किया। पहुंचे शिविर में जिस समय वे हो रही थी गत निशा, कुछ देर ही में प्रकटित हुई द्युति दृश्य से प्राची दिशा। नूतन पवन के विष प्रकृति ने सांस लीजी खोल के, गाने लगी श्यामा सुरीले कंठ से रस खोल के। क्या लोक निद्रा भंग कर ये वाक्य कुकुट ने कहा, जागो उठो देखो कि नव मुक्ता वले बरसा रहा। तमचर उलू काविक छिपे जो गरजते थे रात में, पाकर अंधेरा ही अघमचर गरजते हैं घात में। सूखे कुसुम समझड़ गए तारा गुणों के गुच्छ, क्या निज सत्व रख सकते होगा पर राज्य में है तुच्छ क्या। जब तक हुआ आकाश में दिन करना आप प्रकाश था, उसके प्रथम ही हो गया संपूर्ण तम का नाश था। सब कार्य कर देता बड़ों का पुण्य पूर्ण प्रताप ही, तेजस्वियों के विघ्न सारे दूर होते आप ही। विधियुक्त सूतों ने वहां आकर उठाया तब उन्हें, बातें विमोहित कर रही थी स्वप्न की वे सब ने। वे शीघ्र शैया से उठे गुणगान कर भगवान के, कर नित्य कृत्य समाप्त फिर पहुंचे सभा में आन के। संपूर्ण स्वजनों के सहित देखा युधिष्ठिर को वहां, विरदावली मंदी जनादिक गान करते थे जहां। सुर गुरु सहित होती सुशोभित जो सुरेश्वर की सभा, हरियुक्त युधिष्ठिर की सभा क्यों पा रही थी सुप्रभा। सबसे मिले अर्जुन वहां सानंद
सबसे पहले अर्जुन वहां सानंद समुचित रीति से पूछी कुशल रख हाथ सिर पर धर्म सुत ने प्रीति से वर्णन धनंजय ने किया सब हाल उनसे रात का आदेश मांगा अंत में रण में विकस रण में विपक्ष विघात का वृतांत उनका श्रवण कर श्री कृष्ण और निहार के पुलकित युधिष्ठिर हो गए सुदबुद्ध समस्त निसार के प्रेमाश्रु दीर्घ विलोचनों से निकल कर कहने लगे फिर भक्ति में बल कंठ से वे वचन ही कहने लगे कब क्या करोगे तुम जनार्दन जानते हो सुत में है ठाठ ये जितने जगत के ठानते हो सुत में केशव तुम्हारे कार्य सारे सब प्रकार विचित्र है सब नेति नेति पुकार कर गाते पवित्र चरित्र है जो सुरों को वज्रधारी इंद्र का आधार है एक चक्र पानी हमारा सब तुम ही पर भार है संसार में सब विद हमारे सर्व साधन हो तुम्हें तन हो तुम्हें मन हो तुम्हें धन हो तुम्हें जन हो तुम्हें मैं बहुत कहना चाहता हूं पर कहा जाता नहीं आश्चर्य है चुपचाप भी मुझसे रहा जाता नहीं भगवान भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति बताई हो इस विपद पारावार से प्रभु शीघ्र पार लगाइयो अर्जुन अर्ज को सौंपता हूं मैं तुम्हारे हाथ में जो योग्य समझो कीजियो प्रभु वर हमारे साथ में बस अंत में कहना यही है छोड़कर बातें सभी हम हैं तुम्हारे ही सदा मत भूलियो हमको कभी यो कह वचन युधिष्ठिर ने तब मौन धारण कर लिया निश्चिंत कर भगवान ने तब अभय दान उन्हें दिया तत्काल ही फिर युद्ध के बाजे वहां बजने लगे सो साह जय जय कार कर सब शूर गण सजने लगे सॉरी सब शूर गण सजने लगे फिर भीम और भीम सात्यकी आदि को रक्षक युधिष्ठिर का बना गांडीवधारी पार्थ ने समझी सफल निज कामना कर वंदना श्री कृष्ण की में शीघ्र ही रथ पर चढ़े बलवान फृता सुर निधन को मेघवाहन सब पढ़े करते हुए गर्जन गगन में दौड़ते हैं घर यथा हाय गज रथादि को शब्द करते चल पड़े अगणित तथा उड़ने लगी सब ओर रज होने लगी कंपित धरा मानो न सह कर भार हो ऊपर चली करके पड़ा पीछे युधिष्ठिर को किए आगे चले अर्जुन बली नचने लगे फण शेष के मचने लगी अति खल बली अन्यत्र अनुगामी बड़ों के सुमन होते सर्वदा पर आपदा में दिखते हैं अग्रगामी की सलाह था विकट शकट व्यूह सम्मुख द्रोण का कोसवाड़ा घन कंट कितवन तुल्य जिसका वेदना दुष्कर बड़ा पीछे जयद्रथ को छिपा छह नायकों के साथ में आचार्य ही थे द्वार रक्षक शस्त्र लेकर हाथ में अवलोक सम्मुख पार्थ ने गुरु को प्रणाम किया आशीष दे आचार्य ने उनसे पलस्वर में कहा देकर परीक्षा आज अर्जुन तुष्ट तुम मुझको करो आओ दिखाओ हस्त कौशल ये समर सागर तरो
सुत घातकों को देखते ही पार्थ मानो जल उठे मुख मार्ग से क्या द्वेष ही तो वे महानवर उठे आचार्य आचार्य मेरा हस्त कौशल देख लेना फिर कभी अभिमन्यु का बदला तुम्हें लेकर दिखाना है अभी इस भांति बातों में समर का श्री गणेश हुआ जहां होने लगा तत्काल ही अति कुमल कोला हल वहां जो नील बरसाते जलन करते हुए दुर्गर्जना लड़ने लगे दोनों प्रबंधन कर परस्पर तर्जना उस ओर द्रोणाचार्य थे इस ओर अर्जुन वीर थे गुरु शिष्य दोनों छोड़ते लिखे हजारों तीर थे है घोर विवाद है घोर वाद विवाद करते दो प्रबल पंडित यथा करने लगे परस्पर शस्त्र में खाते तथा दोनों रथी इस शीघ्रता से भेषों को छोड़ते जाना न जाता था कि वे कब थे धनुष पर जोड़ते थे बाण दोनों के गगन में इस तरह लहरा रहे जो उर्मी माने में अनेकों उर्ग वर लहरा रहे करने लगे दोनों दलों को दल दियो दोनों बली कुछ देर ही में रक्त की धारा धारा पर रह चली लड़ने लगे सब शूर सैनिक भीति से कायर भगे सानंद गृद्ध शिकार आदि घूमने लड़ने लगे आगे ना अर्जुन बढ़ सके आचार्य बल बातूल से कल लोल लोल पयो दिखे जो बढ़ न सकते फूल से बोले वचन दब पार्थ से हरी व्यर्थ ये संग्राम है काल थोड़ा और करना बहुत भारी काम है यो कह वचन श्री कृष्ण ने रथ अन्य ओर बढ़ा दिया चेष्टा बहुत की रोकने की पर क्या हुआ उनका किया प्रबल प्रभंजन वेग गति रोकी न जा सकती कभी करने लगे में विवश होकर व्यूह की रक्षा बनी रथ देख बढ़ता पार्थ का संपूर्ण शत्रु दुखी हुए सब शूर पांडव पक्ष के कर हर्ष नाद सुखी हुए लड़ने युधिष्ठिर से लगे तब द्रोण बढ़कर सामने संग्राम जैसा था किया गांधेय से भृगुराम ने जिस ओर सेना थी गजों की पर्वतों के समानी उस ओर ही रथ ले गए हरि शीघ्रता करके बने तब पार्थ बाणों से मतंगर पतन यो पाने लगे घन रवि क्रम से वृत्त बाणो भूमि पर आने लगे जा ज्वल्य ज्वाला मय अदन की फैल की जो कांति है कर याद अर्जुन की छटा होती उसी की भ्रांति है इस युद्ध में जैसा पराक्रम पार्थ का देखा गया इतिहास के आलोक में है सर्वथा ही वो नया करता पयोदों को प्रबंधन शीघ्र अस्त व्यस्त यो करने लगे तब ध्वस्त अर्जुन शत्रु सैन्य समस्त को वे विपुषरों को काट कर रणभूमि यो भरने लगे रणचंडी का पूजन सरोजों से यथा करने लगे जो शरों से शत्रुओं को थे धनंजय मारते श्री कृष्ण थे रथ को बढ़ाते कुशलता विस्तारते उस काल रथ के भय तथा गांडीव के शर जगमगे करते हुए स्पर्धा परस्पर साथ ही चलने लगे खर बाण धारा रूप जिसकी प्रज्वलित ज्वाला हुई जो बैरियों के व्यूह को अत्यंत विकराला हुई श्री कृष्ण वायु रूप से प्रेरित धनंजय ने वहां कौरव जमू मन कर दिया तत्काल नष्ट जहां तक टूटे हुए रथ थे कहीं थे मृत गजाश हो अड़े कहीं थे रुंड मंड करानी गण में छिन्न भिन्न पड़े कहीं इस भांति अस्त व्यस्त फैले दिखते थे वे सभी मानो हुई नभ से रुधिर में वृष्टि अनुभूत अभी
गति रोकने को पार्थ की जो वीर रण करते गए क्षण मात्र में उनके शरों से वे सभी मरते गए। जाने उन्होंने शत्रुगण कितने वहां मारे नहीं, जाते किसी से है जिन्हें आकाश के तारे नहीं। इस भांति अपने शत्रुओं को युद्ध में संहारते बढ़ने लगे आगे धनंजय वीरता विस्तारते। पर देख दिन को गमन करके वे बहुत क्षोभित हुए, अतएव दिन कर तुल्य ही चलते हुए शोभित हुए। मारे श्रुता युद्ध ने गदा श्री कृष्ण को उस काल में, मारे श्रुता युद्ध ने गदा श्री कृष्ण को उस काल में, पर वो उचट कर जा लगी उल्टी उसी के भाग में। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घोड़ा, हा विधि विरुद्धाचार से किसको नहीं मरना पड़ा। अत्यंत दुर्गम भूमि पर अभिमान चलने से थके होकर त्रिषित रथ अश्व उनके जब न सत्वर चल सके। वरुणास्त्र द्वारा पार्थ से, पार्थ ने क्षिति से निकाला जल रही, भगवान की जिस पर कृपा हो कुछ कठिन उसको नहीं। रचते हुए सरसा वहां निज त्राण भी करते हुए, क्यों युद्ध कर निज बैरियों के प्राण भी हटे हुए, उत्पत्ति पालन प्रलय के से कृत्य अर्जुन ने किए, विधि विष्णु हर के से अकेले दिव्य बल दिखला दिए। हाय गज रथालिक थे जहां पाषाण खंड बड़े बड़े, सिर कच्छ चरण आदि ही जल जीव थे जिसमें पड़े, ऐसे रुधिर नद में वहां खून की नदी, ऐसे रुधिर नद में वहां रथ रूप नौका पर चढ़े श्री कृष्ण नाविक युक्त अर्जुन पार पाने को बढ़े। रथ देख बढ़ता पार्थ का कुरुराज अति बल हुआ, चेष्टा बहुत की रोकने की पर न कुछ भी फल हुआ। तब वो निरनिस्तेज होकर घोर चिंता से घिरा, जाकर निकटियों द्रोण के कहने लगा कर कष्ट गिरा। आचार्य आचार्य देखो आपके आपके रहते हुए भी आज यो धन नष्ट करता पार्थ है, मुझे झुंड को मेरे राज हैं शूर मेरे पक्ष के, जो कह रहे उससे सभी जो चाहते आचार्य तो अर्जुन न पड़ सकते कभी। निज शक्ति भर में आपकी सेवा सदा करता रहा, तुम हो न कोई भी कभी इस बात से डरता रहा। सामान्य सामान्य मैंने आपका अपराध ऐसा क्या किया जो सामने से आपने उसको निकल जाने दिया। पहले वचन देकर समय पर बांधते हैं जो नहीं, वे हर प्रतिज्ञा खानकारी निंदनीय सभी करी। मैं जानता जो पांडवों पर प्रीति ऐसी आपकी आती नहीं तो ये कभी मेला विकट संताप की। निज अनुचरों के अर्थ मन में सोचकर धर्मांत को घुसने न देते मुख में जो आप मध्यम पार्थ को, होती सहज ही सफल तो आज मेरी कामना। है कौन ऐसा आपका रणनीति करे जो सामना, जो हो चुका सो हो चुका अब सोच करना व्यर्थ है। गत काल के लौटाने को कौन शूर समर्थ है, अब भी समय है यदि आपको स्वीकार हो भय पूर्ण पारावार भी पुरुषार्थ हो तो पार हो। पूर्वानुकंपा कर मुझे परिचय पुनः देते हुए अंतःकरण के तौर कौरवों की तरने को खेते हुए अब भी जयद्रथ को बचाकर अनुचरों का दुख हरो। गुरुदेव चाहता है समय, रक्षा करो रक्षा करो। इस भांति निज निंदा श्रवण कर प्रार्थना के त्याग से हो क्षुब्ध द्रोणाचार्य कर कहने लगे गुरुराज से, है ये तुम्हारे योग्य ही जैसी गिरा तुमने कभी, तुम जो कहो या जो करो है सर्वदा थोड़ा नहीं। जो लोग अनुचित काम कर जय चाहते परिणाम में, है योग्य उसकी सी तुम्हारी ये दशा संग्राम में। विश्व बीज बोने से कभी जग में सुफल फलता नहीं, विश्लेष की विधि पर किसी का वश कभी चलता नहीं।
ये रण उपस्थित कर स्वयं अब दोष देते हो मुझे, कह जानते हैं बस कुटिल जन वचन ही इसके मुझे, दुष्कर्म तो दुर्बुद्धि जन हट युक्त करते आप हैं, पर दोष देते और को होते प्रकट जब पाप है। निस्संदेह निस्संदेह मेरी पांडवों पर प्रीति है, पर इस विषय पर व्यर्थ ही होती तुम्हें ये भीति है। मैं पांडवों से प्यार कर लड़ता तुम्हारी ओर से, विचलित मुझे क्या जानते हो आत्म धर्म कठोर से। प्रेम आदि जितने भाव हैं वे देख करना विकार है, सब मानवों के चित्त ही उनके पवित्र आधार है। अतएव यद्यपि पांडवों ने चित्त में ही घर किए, पर देह के व्यापार सारे हैं तुम्हारे ही। गुण पर न रीझे वो मनुज है तो भला पशु कौन है, निज शत्रु के गुणगान में भी योग्य किसको मान है। तुमने सजा ये पांडवों से शत्रुता का साज है, पर क्या ना उनके शील पर आती तुम्हें कुछ लाज है। मैंने तुम्हारे हित स्वयं ही क्या उठा रखा रहो। अभिमन्यु के वध के सदृश मुझसे हुआ है अब हो, जब तक न उसका प्रायश्चित मृत्यु से हो जाएगा तब तक कभी क्या चित्त मेरा शांति कुछ भी पाएगा। तुम पुत्र सम प्यारे मुझे हो, फिर तुम ही सोचो भला क्या मैं तुम्हारे हित समय की शेष रखूंगा कला। है बात ये मुझसे मुख हो पार्थ अपना रखा, दक्षिण तरफ से व्यूह में पहुंचा जहां थी गज कटा, रुकता वहां किससे कहो वो अद्वितीय महारथी, तिस पर उसे है मिल गया श्री कृष्ण जैसा सारथी। पर त्याग कर तुम व्यग्रता धीरज तनिक धारण करो, करणादिकों के साथ उसका यत्न से वारण करो, मेरा यही रहना उचित है व्यूह रक्षा के लिए, तिस पर युधिष्ठिर पर विजय की मैं प्रतिज्ञा होती है। तुम कौन कम हो पार्थ से उत्साह को छोड़ नहीं, होता जहां उत्साह है होती सफलता भी वही। यद्यपि नहीं होते सभी के एक से पुरुषार्थ हैं, यद्यपि नहीं होते सभी के एक से पुरुषार्थ हैं, तुम भी उसी कुल में हुए, तुम भी उसी कुल में हुए जिसमें हुए ये पार्थ है। ये खेल पासों का नहीं है, ये खेल पासों का नहीं है, प्राण का पण आज है। जो आज जीतेगा उसी का जीतना पूर्वाज है। जिसे पहनकर इंद्र ने वृतासुर युद्ध सह लिए, जिसके लिए मैंने बहुत से तप तथा व्रत किए, है वज्र की भी चोट जिससे सह जा सकती सही, आओ तुम्हें मैं दिव्य अपना कवच पहना दूंगा। द्रोण ने वो कवच तब पूर्वराज को पहना दिया, अति तेज उसने वज्रधारी इंद्र सा ही पा लिया। कर वंदना गुरु की मुदित वो पार्थ से लड़ने चला, विख्यात विंध्याचल यथा आकाश से अड़ने चला। चिंतित युधिष्ठिर भी हुए इस ओर अर्जुन के लिए, निज भाव सत्य की पर उन्होंने शीघ्र ही प्रकटित किए। हे वीर अर्जुन का नाम तक वृत्त कुछ विश्रुत हुआ, जगदीश जाने क्यों हमारा चित्त चिंता युक्त हुआ। हा वो कपि ध्वज भी ध्वजा की दृष्टि में आती नहीं, उनकी रथ ध्वनि भी यहां अब है सुनी जाती नहीं। जब से हुए हैं ओट में अब तक न दिख पड़े मुझे, हे देव बतला तो सही स्वीकार है अब क्या तुझे। है व्यग्र सुनने को श्रवण पर शब्द सुन पाते नहीं,
दृग्दीन है पर दृश्य फिर भी दृष्टि में आते नहीं है चाहती खिलना तद भी मन की करे खुलती नहीं मैं शांति पाना चाहता हूं पर मुझे मिलती नहीं होंगे न जाने किस दशा में हरि तथा अर्जुन कहा हाँ आज पल पल में निकलता बढ़ रही मेरी यहां कुछ बात ऐसी है कि जिससे चित्त चंचल हो रहा विश्वास है पर त्रास मेरे धैर्य को है खो रहा हे सात्य के आदेश पाकर आपका मैं शीघ्र जाता हूं वहां पर आप द्रोणाचार्य से अति सजग रहिएगा यहां हो क्षुब्ध मर्यादा रहित जल निधि सदस्य में हो रहे उनके सुबल कंदोल में सब आज फिरते हैं बहे कहकर वचन युधिष्ठिर नंदन सात्यकी प्रस्तुत हुआ उस काल उसका पराक्रम पार्थ सा ही श्रुत हुआ वो शत्रुओं को मारता सम्मुख पहुंचा आचार्य के करने लगा कौशल प्रकट प्रकट कर विविध वितरण कार्य के पर मार्ग में जो रोक लेता शैल जल की धार को तो देख रुकते द्रोण से अपने प्रगति के द्वार को झट सात की भी पार्थ की ही नीति से हंसकर चला जो कार्य गुरु ने है किया वो शिष्य क्यों ना करे भला होकर प्रविष्ट व्यूह में तब पार्थ की ही नीति से करने लगा सात्य की गमन कर युद्ध अद्भुत रीति से दावाग्नि से मचती विपिन में जो भयंकर खलबली करने लगा सात्य की गमन करने लगा सब शत्रुओं को व्यस्त तो व्यस्त तो ही हो गए सात्य की गया पर स्वस्थ तो भी धर्मराज हुए नहीं भेजा उन्होंने भीम को भी अनुज की सुध को भरी रखते ना अपनी आप अपने चित्त में चिंता सभी निज प्रिय जनों का ध्यान जितना श्रेष्ठ जन रखते सभी अर्जुन तथा सात की गमन से द्रोण थे क्षोभित पड़े अतएव पहुंचे भीम जब बोले वचन में यूं कहे अर्जुन सदृश क्या भीम तू भी व्यूह में घुसने चला क्या छल तुझे भी प्रिय हुआ जब से शकुनी ने है छला यो सुन वचन आचार्य के हंस भीम ने उत्तर दिया गुरु से धनंजय ने न लड़कर तात क्या छल है किया छल छलम करने में सदा हम सब निरे अनभिज्ञ है इस कार्य में तो बस हमारे बंधु ही वर्भिज्ञ है हा कार्य अर्जुन का वही समुचित न जा सकता बिना रिपुमान ने जो वे गए गुरु दक्षिणा सौंपे बिना हे आर्य और ऋण व्याग युक्त अब मैं चुकाता आपको तैयार होकर लीजिए तजिए हृदय के ताप को यूं कह वचन भीम उन पर बाण बरसाने लगे अद्भुत अपूर्व असीम अपनी शक्ति दर्शाने लगे पर काट कर सब बाण उनके तोड़ कर रथ भी आ गुरु रणदा भी चुका निकल है गुरु ऋणा भी चुका लेकर द्रोण ने हंसकर कहा घायल हुआ मृगराज जो हत बुद्धि होता क्रोध से क्रोधित हुए क्यों भीम भी आचार्य के इस बोध से करते हुए तब ऊष्ट दर्शन अरुण हो अपमान से देखे गए वे दौड़ते शोभित हुए वे दौड़ते निज बंधु वर हनुमान से बोलो पवन सुत हनुमान की जय हो जय जय बजरंग बली की जय जो द्रोण गिरी
जो द्रोणगिरी बजरांग ने था हाथ पर धारण किया, तो द्रोण रथ को झट उन्होंने एक साथ उठा लिया। कंदुक सदृश फिर दूर डब में शीघ्र फेंक दिया उसे, कर सिर नाद समेत में व्यूह के भीतर उसे होने लगी सब ओर, होने लगी तब घोर ध्वनि सब ओर हाहाकार की। आशा रही न किसी किसी को द्रोण के उद्धार की, पर बीच में ही कूद रथ से वृद्ध गुरु आगे बढ़े, फिर युद्ध करने के लिए वे दूसरे रथ पर चढ़े। रथ युक्त फिर भी भीम ने फेंका उन्हें अभी होश से, पूरित किया देव व्योम को घन तुल्य अपने घोष से। कर युद्ध बार बार देव ही द्रोण को गुरु रण चुका, वो वीर पहुंचा व्यूह में नकराल शस्त्रों से रुका। जब जब वायु विक्रम भीम पर वश द्रोण का रवान चला, हो क्रुद्ध उनकुल दीप ने तब पांडवों का दल बना। फिर धर्म भीरु अजात रिपु को युद्ध में विचलित किया, इस भांति निज अपमान का अभिमान युक्त बदला लिया। दैत्यारी ने जो भूमि हित था सिंधु को विदलित किया, उस ओर क्यों ही भीम ने भी व्यूह को विचलित किया। होने लगे रिपु नष्ट, तब उनके प्रबल भुजदंड से होते त्रिणादिक खंड, जो वातूल जाल प्रचंड से मिल दुष्ट दुर्योधन अनुज तब भीम से लड़ने लगे, पर शीघ्र मर मर के सभी भूमि पर पड़ने लगे। अंबोज वन को मत गज करता यथा मर्दित स्वता, मारा त्रिकोदर ने उन्हें, मारा त्रिकोदर ने उन्हें झट झपट झूम स्थला होकर पराजित भीति कातर शीघ्र उस बलधाम से सब सैन्य हाहाकार कर भगने लगी संग्राम से। तब वीर कर्ण समक्ष सत्वर उग्र साहस युद्ध हुआ, उस काल दोनों में वहां युद्ध अति अद्भुत हुआ। बहु बाण सहकर कर्ण के मारी वृकोदर ने गदा, सम्मुख चली इस भांति वो प्रत्यक्ष मानो आपदा। पर वज्र सम रथ पर गिरे जब तक गदा वो भीम की, रथ छोड़ देने शीघ्र का राधे ने निस्सीम की, वो तो किसी विध बच गया। झट कूद रथ के द्वार से, पर सूत्र हाय रथ नष्ट होने से बचे ना उस प्रहार में, हो अति कुपित वो वीर तब दूसरे रथ पर चढ़ा, फिर युद्ध करने के लिए मध्यान्ह का मारखंड जैसे महाद्युति से मरा। शर मार तत्क्षण भीम को व्रण पूर्ण ने उसने कर दिया, बलवंत वीर वसंत ने किंचुक यथा विकसित किया। करते हुए निज देह रक्षा मृत गजों की ढाल से बढ़ने अगाड़ी ही लगे, तब भीम तिरछी चाल से। पर अर्जुन आदि पांडवों का वध न करने के लिए करुणार्द्र होकर कर्ण ने थे वचन कुंती को दिए, पाकर सुअवसर भी इसी से सोचकर उस बात को निर्जीव मात्र किया नहीं उसने विकोदर गात को। हंसता हुआ तब भीम का उपहास वो करने लगा, रे खल खड़ा रह, क्यों समर से दूर फिरता है बगा, तुझसे भरेगा क्या जो पेट भर ही जान का, रे मूढ़ अपने को कथा ही हीर तुझे मान का। प्रण था धनंजय ने किया राधे के भी घात का, उत्तर दिया ना भीम ने इससे उसकी बात का, अति होश तो आया उन्हें तो भी उसे मारा नहीं,
सम्मान से भी धर्म बंधन हो किसे प्यारा नहीं। उस ओर पूरी श्रवा से था वीर सात की लड़ रहा, जन जान प्रेरित जलत जो हो जलत से अड़ रहा। बहु युद्ध करने से प्रथम ही था यद्यपि सात की तका, पर देख अर्जुन को निकट उत्साह से था वो छका। उस काल दोनों में वहां युद्ध वो ऐसा हुआ है युग कहना बस यही अद्भुत वही वैसा हुआ। सब वीर लड़ना छोड़ क्षण भर देखने उनको नहीं, सब वीर लड़ना छोड़कर देखने उसको लगे। सब धन्य धन्य पुकार कर रह गए गुण पर ठगे। रथ अश्व दोनों के शरों से साथ दोनों के मरे। व्रण पूर्ण दोनों हो गए तो भी न मन में रह गए। करने लगे तब क्रुद्ध वे, तब करने लगे तब क्रुद्ध वे बाहु युद्ध विशुद्ध यो युग गिरी समक्ष हो लड़ते विपक्ष विरुद्ध जो। लड़ते हुए जब सातकी हुआ श्रमिक शौनित से सना, भूरी श्रवा ने खंड से तब शीश चाह काटना। पर वार उसने कर उठाकर वेग से जो ही किया त्यों ही धनंजय के निषिक्ख ने काट उसका कर दिया। कर बाल युक्त केतु सम भूरी श्रवा का कर गिरा, सब शत्रु इस कार्य को कहने लगे अनुचित मेरा। करण कृप करण वृष सेन आदि ने धिक्कार अर्जुन को दिया। धिक धनंजय पाप में निष्कर्म ये तूने किया। बोले वचन तब पार्थ उनसे लीन होकर रोष में। क्या निर्जनों का त्राण करना सम्मिलित है दोष में। मेरा नियम यह है जहां तक बाण मेरा जाएगा अपने जनों को आपदा से वो अवश्य बचाएगा। नास्तिक मनुज भी विपद में करते बिना भगवान से देते हो सदर्म की वे भी दुहाई आज में। लज्जा नहीं आती तुम्हें उपदेश देते धर्म का, आती हंसी तुम पापियों से नाम सुन सत्कर्म का। देखे बिना निज कर्म पहले बोध देना व्यर्थ है, होता नहीं सद्धर्म कुछ भी उपदेश के ही अर्थ है। तुम सात ने जब वध किया था एक बालक का यहां, रे पाम रो तब ये तुम्हारा धर्म सारा था कहा। पापी मनुज भी आज मुंह से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। आज जन्म नीच अधर्मियों के जो रहे अधिराज हैं, देते हो धर्म की वे भी दुहाई आज है। सुन पार्थ के वचन चुप रह गए बैरी सभी, दोषी किसी के सामने क्या फिर उठा सकते कभी। भूरी श्रवा का वध किया ले खड़ग सातकी ने वही, जिसकी सिरोही सिर उसी का उक्त ये गति सही। उत्साह संयुक्त उस तरह ही भीम आ पहुंचे वहां, मिलकर चले सब शीघ्र तब था सिंधु राज छिपा जहां। पहुंचे तथा वे जब वहां निज मार्ग निष्कंटक बना, कृप करण शल्य द्रोण से करना पड़ा तब सामना। खल शकुनी दुशासन सहित जो जानता छल कर्म को, पहुंचा वहां पूर्व राज भी कहने अलौकिक वर्म को। पीछे जयद्रथ को किए दृढ़ व्यूह सा आगे बना, करने लगे संग्राम वे करके विजय की कामना। लड़ते वर्ण यक्षेश युक्त देवेंद्र दैत्यों से यथा लड़ने लगे अर्जुन तथा भीम सात की युद्ध था।
दोनों तरफ से छूटते थे बाण विद्युत खंड जो अति घोर मानव तुल्य रथ कर रहे को दंड दे रथ अश्व भी मिलकर परस्पर सामने बढ़ने चले थे एक पर वे एक मानो चोट कर जाने चले थे वीर जो शोभे सभी रंग कर रुधिर की धार से होते सुशोभित शैल जो गैरिक छटा विस्तार से इस ओर थे ये तीन ही इस ओर थे ये तीन ही उस ओर वे छह सात थे तिस पर असंख्य शूर उनके कर रहे आघात थे पर कर रहे पर वीर ये वीरत्व व्यक्त विशेष थे मानो प्रबल तीनों बलि विधि विष्णु और महेश थे दश दशरो से कर्ण ने तब वित्त कर हरिपार्थ को दर्शित किया मानो वहां दुगने प्रबल पुरुषार्थ को पर सूत आए रथ और उनका नष्ट करके चाप भी कर चौगुना विक्रम हुए शोभित धनंजय आप भी फिर तत्काल ही लक्ष्य करके कर्ण के वरवक्ष को छोड़ा कपित बजने कुपित हो एक बाण समक्ष को पर बीच में ही द्रोण सुत ने काट उसको बाण से जाते हुए लौटा लिया उस वीरवर के प्राण से टंकार ही निर्घोष था शर वृष्टि ही जल वृष्टि थी जलती हुई रोषाग्नि से उद्दीप्त विद्युत दृष्टि थी गांडीव रोहित रूप था रथ ही सशक्त समीर था उस काल अर्जुन वीरवर अद्भुत जलद गंभीर था थे दिव्य वर पाए हुए शत्रु भी पूरे बली थे दिव्य वर पाए हुए शत्रु भी पूरे बली अतएव वे भी स्थिर रहे सह पार्थ शरद हरा बली इस ओर यो ही हो रहा जब युद्ध ये उदंड था उस ओर अस्ता चल निकट तब जा चुका मारकंड था फिर देखते ही देखते वो अस्त विक्रम से हुआ कब तक रहेगा वो अटल जो क्षीण वर्षण से हुआ प्राण पूर्ण पार्थ न कर सके रवि प्रथम ही घर को गया संभावना ही थी न जिसकी हाय ये क्या हो गया उस काल पश्चिम ओर रवि की रह गई वसुंधरा होने लगी कुछ कुछ प्रकट सी यामिनी की कालिमा सब कोण गण शोकित हुए विरहाग्नि से डरते हुए आने लगे निज निज गृहों को विहग रव करते हुए यों अस्त होना जान रवि का पार्थ मानो हत हुए मुंडते कमल के साथ वे भी विमुख गौर गत हुए लेकर उन्होंने श्वास ऊंचा वदन नीचा कर लिया संग्राम करना छोड़कर गांधी व्रत में रख लिया इस ओर आना जान ऋषि का थे मुदित निशिचर बड़े उस ओर प्रवदित शत्रुओं के हाथ मूछों पर पड़े दुर्योधन आदि को गौरवों के हर्ष का क्या पार था मानो उन्होंने पा लिया त्रैलोक्य का अधिकार था बोला जयद्रथ से वचन कुरुराज तब सानंद यो हे वीर रण में अब नहीं तुम घूमते स्वच्छंद क्यों अब सूर्य के सम पार्थ को भी अस्त होते देख लो चलकर समस्त विपक्षियों को व्यस्त होते देख लो कहकर वचन पुरुराज ने यो हाथ उसका धर लिया
कर्णादिकों के आगे तथा उसको खड़ा फिर कर दिया। उस काल निर्मल मुकुल सम उसका वदन दर्शित हुआ, मां पाकर यथा अमृत वो हृदय में हर्षित हुआ। खल शकुनि खल खल शत्रु खल शत्रु भी विश्वास जिनके सत्य हो कर रहे, निश्चिंत निर्भय सामने ही मोद नद में तर रहे है। धन्य अर्जुन के चरित्र को धन्य उनका धर्म है, क्या और हो सकता हो इससे अधिक सत्कर्म है। वाचक विलोक को तो जरा है दृश्य क्या मार्मिक हो, देखा कहीं अन्यत्र भी शील युद्ध धार्मिक हो, कुछ देख कर ही मत रहो, सोचो विचारो चित्त में, बस तत्व है अमृत्व का वर वृत्त रूपी वित्त में। ये देख लो निज धर्म का सम्मान है सच्चाई, सोचो हृदय में सत्यता का ध्यान जैसा चाहिए, स हृदय जिसे सुनकर द्रवित हो चरित्र ऐसा चाहिए, अति भव्य भाव का नमूना और कैसा चाहिए। क्या पाप की ही जीत होती, हारता है पुण्य ही, इस दृश्य को अवलोक कर तो जान पड़ता है यही। धर्मार्थ दुख सहित योने वे धार्त वे पार्थ मरणासन्न है, दुष्कर्म ही है प्रिय जिन्हें वे धार्त राष्ट्र प्रसन्न है। परिणाम जान परिणाम सोच न भीम सात की रह सके पलवल खड़े, हां कृष्ण के हरि के निकट बेहोश होकर गिर पड़े। यूं देख कर उनकी दशा दृग बंद कर अरविंद से कहने लगे अर्जुन वचन इस भांति कर गोविंद से। रहते हुए तुम सा सहाय तो प्राण हुआ पूरा नहीं, इससे मुझे है जान पड़ता भाग्य बल्कि सर करी। जलकर अनल में दूसरा प्रण पालता हूं मैं अभी, अच्युत युधिष्ठिर आदि का सब भार तुम पर है अभी। संदेश कह दीजिए यही सबसे विशेष विनय कर, खुद ही तुम्हारा जन धनंजय धर्म के है महाराज। तुम भी कभी निज प्राण रहते धर्म को मुझे छोड़ लो, बैरी न जब तक नष्ट हो मत युद्ध से मुंह मोड़ लो, थे पांडु के सुत चार ही के सोच धीरज धारियो, हो जो तुम्हारे प्रण नियम उनको न कभी विस्तारियो, है इष्ट मुझको भी यही यदि पुण्य मैंने वो किए, तो जन्म पाऊं दूसरा मैं वैर शोधन के लिए। कुछ कामना मुझको नहीं है इस दशा में स्वर्ग की, इच्छा नहीं रखता अभी मैं अल्प भी अपवर्ग की, हा हा कहां पूरी हुई मेरी अभी आराधना, अभिमन्यु विश्व का वैर की शेष अभी साधना। कहना किसी से और मुझको अपना कुछ संदेश है, पर शेष दो जन है अभी जिनका बड़ा ही द्वेष है। कृष्णा सुभद्रा से कहूं क्या ये ना होता ज्ञात है, मैं सोचता हूं किंतु मिलती न कोई बात है, जैसे पति समझा जाकर धैर्य सबको दीजियो, कह दीजियो मेरे लिए मत शोक को दीजियो, अपराध जो मुझसे हुए हो वे क्षमा करके सभी, कृपया मुझे तुम्हें याद करना स्वजन जान कभी कभी। हा धर्म भीर अजात शत्रु आर्य भीम हरे हरे, हा प्रिय नकुल सहदेव भ्राता उत्तरे हा उत्तरे, हा देवी कृष्णे हा सुभद्रे, अब अधम अर्जुन चला
धिक है क्षमा करना मुझे, मुझसे हुआ रिपु का भला। जैसे कि आपका कथन वैसा हुआ परिणाम है। केशव केशव विदा दो अब मुझे, बार बार प्रणाम है। इस भांति मरने के लिए यज्ञ भी नहीं तैयार हूं, पर धर्म बंधन बद्ध हूं, क्या करूं लाचार हूं। श्री कृष्ण से जब अर्जुन इस भांति श्री कृष्ण से जब अर्जुन थे वचन यूं कह रहे हैं, हंसकर जयद्रथ ने कभी ये विश्व वचन से कहे, गोविंद गोविंद अब क्या देर है, प्राण का समय जाता टला, शुभ कार्य जितना शीघ्र हो है नित्य उतना ही भला। सुनकर जयद्रथ का कथन हरि को हंसी कुछ आ गई, गंभीर श्यामल मेघ में विद्युत छटा सी छा गई। कहते हुए यो ये ना उनका भूल सकता वेश है, हे पार्थ हे पार्थ प्रण पालन करो, देखो अभी दिन शेष है। हे पार्थ प्रण पालन करो, देखो अभी दिन शेष है। हो पूर्ण जब तक पार्थ प्रति हरि का कथन ऊपर कहा, तब तक महा अद्भुत हुआ एक कौतुक सा। मारतंड अस्ता चल निकट घन मुक्त सा देखा गया, है जान सकता कौन हरि का कृत्य नित्य नयन है। हाँ पार्थ के हित के लिए ये खेल नटवर ने किया, था पार्थ के हित के लिए ये खेल नटवर ने किया, दिन शेष रहते सूर्य को था अस्त सा दिखला दिया, अनुकूल अवसर पर उसे अब कर दिया जो व्यक्त है, वो भक्त वत्सल भक्त पर रहता सदा अनुरक्त है। तत्काल अर्जुन की अचानक नींद मानो हट गई, हो गई उसको विदित माया महाविस्मय मई। अब लोक कर हरि को उन्होंने एक बार विनोद से निकटस्थ शीघ्र उठा लिया, गांधीव अति आमोद से। इस स्वप्न के से दृश्य से सब शत्रु विस्मित रह गए, कर्तव्य मूल समान वे नैराश्य नंद में बह गए। उस काल उनका तेज मानो पार्थ को ही मिल गया, तब तो सदा से सौ गुना मुख शीघ्र उनका खिल गया। हो सजग भीम सात की भी आनंद रव करने लगे, हर्षित हुए सबके बदन मनभूत से भरने लगे। सम्मुख स्थित तब काल जाल गत जो था हरण सा हो रहा, उस खल जयद्रथ से कुपित हो यो धनंजय ने कहा, रे नीच अब तैयार हो तू शीघ्र मरने के लिए, मेरा ये अवसर समझ तू प्रण पूर्ण करने के लिए, है व्यर्थ चेष्टा भागने की मृत्यु का तू ग्रास है, भज राम नाम नृशंस अब तो काल पहुंचा पास है। गति देखना अन्य एक भी निज कर्म के दुर्दोष से
करने लगा तत्क्षण जयद्रथ शस्त्र वर्षा रोष से, आशा नहीं रहती जगत में प्राण रहने की जिसे, उसका भयंकर वेग सहसा सहज हो सकता किसे। पर पार्थ ने सहली व्यथा सब शत्रु के आघात की, आनंद के उत्थान में रहती नहीं सुदघात की। गांडीव से तत्काल वे भी बाण बरसाने लगे, जो उग्र कुल का खंड से विद्युत छटा छाने लगे। फिर पुष्प माला युक्त मंत्र दिव्य द्युति से ओगसा रखा धनंजय ने धनुष पर एक बाण अमोगसा, पल भर उसे संधानने में वे यथा शोभित हुए। हो भाल नेत्र ज्वाल हर जो छोड़ते शोभित हुए। वो शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर से छिन्न वैसे ही हुआ। रक्तात वो सिर व्योम में उड़ता हुआ कुछ दूर सा, दिखा अरुणतम उस समय के अस्त होते सूर सा। अर्जुन विशिख तो लौट आया, यानी अर्जुन का बाण तो लौट आया। अर्जुन विशिख तो लौट आया पर न रिपु का सिर फिरा, अपने पिता की गोद में ही वो अचानक जा गिरा। रण से अलग उनका पिता तप कर रहा था रत हुआ, भगवान की इच्छा तने के साथ वो भी हक हुआ। यहां एक बात कहनी बहुत आवश्यक है, जयद्रथ के पिता ने भगवान से बहुत तपस्या करके ये वर प्राप्त किया था कि जिस समय, यानी जिस इंसान से जयद्रथ का सिर रणभूमि में गिरे, उस इंसान के भी 100 टुकड़े उसी वक्त उसके सिर के उसी समय में हों। अब हुआ ये कि वो जो सिर था जयद्रथ का, वो उसके पिता की गोद में जाके अचानक गिर गए, और उनके पिता तप कर रहे थे, वो हड़बड़ा कर उठे और उनके द्वारा वो सिर भूमि पर गिर गया, तो उसी समय उनके सिर के 100 टुकड़े हो गए। श्री कृष्ण अर्जुन भीम सात की आनंद रव करने लगे, हर्षित हुए सबके वदन मन मोद से भरने लगे। प्रत्यक्ष कौरव पक्ष की तब नासिका से कट गई, मानो विकलपुर राज की शोकार छाती फट गई। इस विध जयद्रथ वध हुआ, पूरा हुआ प्रण पार्थ का। अब धर्मराज अर्जुन मिलन है, मिलन जो धर्मार्थ का। वर्णन अतः उसका यहां करना उचित है सर्वथा, सर्वत्र ही कठिनीय है सुख सम्मिलन की शुभ कथा। सूर्यास्त होना जानकर जब फिर लड़ाई रुक गई, निष्प्रभ पराजित कौरवों की रणपता का झुक गए, तब नृप युधिष्ठिर के निकट आनंद से जाते हुए बोले वचन भगवान यु, बोले हरि पार्थ से रणभूमि दिखलाते हुए। हे वीर, हे वीर देखो आज तुम संग्राम में कैसे लड़े, मरकर तुम्हारे हाथ से ये शत्रु कितने हैं पड़े। जो कंजवन की दुर्दशा कर डालता गजराज है, शोभित तुम्हारे शौर्य से क्यों ये रणस्थल आज है। जो तुच्छ अपने सामने थे इंद्र को भी मानते, जो कुछ कहो बस है हमी जो थे सदा ये जानते। वे शत्रु देखो आज ऊपर सर्वदा को सो रहे हैं, मर चुके लाखों तथा घायल हजारों हो रहे। झुकते किसी को थे न जो,
वे वृप मुकुट रत्नों से जड़े, वे अब श्रृगालों की पदों की ठोकरे खाते पड़े, पेशी समझ माणिक्य को वो बेहद देखो ले चला, पर भोग की ही भ्रांति में संसार जाता है ठगा। यद्यपि हमारे रखायों को शर्म हुआ सब शेष है, पर भूल सा उनको गया इस समय के सारा क्लेश है। पशुवादी भी निज स्वामियों के भाव को पहचानते, सब निज जनों के दुख में दुख सौख्य में सुख मानते। इस ओर देखो रक्त की ये कीच कैसी मच रही है, पत्र ही खंडित हुए बहुरुंड मुंडों से मही, कर पद असंख्य कटे पड़े शस्त्रादि फैले हैं, तथा रंग स्थली की मृत्यु की एकत्र प्रकटी हो ये था। यद्यपि निहत होकर पड़े ये वीर अब निशक्त है, पर कौरवों का तेज अब विकल है ये व्यक्त है, बल विभव में कुरु राज सचमुच दूसरा सुर राज है, पाई विजय प्रारब्ध से ही पार्थ तुमने आज है। श्री कृष्ण के प्रति बोले धनंजय भक्ति से, क्या कार्य कर सकता हरे मैं आप अपनी शक्ति से, ये सब तुम्हारी ही कृपा उन नाम का ही वीर मैं, भूला नहीं अब तक तुम्हारा वो विराट शरीर मैं, है काल चक्र सदा तुम्हारा चल रहा संसार में, सर्वत्र तेज है पुंज सा है जल रहा संसार में, पर देखने में चर्म के ये चक्षु अति असमर्थ है, तब तो मनुज कृतत्व का अभिमान करते व्यर्थ है। किसकी महत्ता थी कि जिसने आज प्रण की पूर्ति की, हिल जाए पत्ता की तभी सत्ता बिना इस मूर्ति की, चलता सुदर्शन यदि ना तो दिन ढल गया होता तभी, अर्जुन चिता दल में कभी का मर गया होता अभी, होते तुम्हारे कार्य सारे गुण भेदों से भरे, हृदयस्थ तुम जो कुछ कराते मैं वही करता हरे, अनुचित उचित के ज्ञान को मैं न कुछ भी जानता, जो प्रेरणा करता विमल मन मैं उसी को मानता, पर एक बात अवश्य है, रुक कर धनंजय ने कहा, यद्यपि तुम्हारा ही किया है जो जगत में हो रहा, बनते नहीं हो किंतु उसके तुम स्वयं कारण कहीं, क्या भी चतुर हो दोष गुण करते स्वयं धारण नहीं। क्या ही चतुर हो दोष गुण करते स्वयं धारण नहीं, हंसते हुए तब पार्थ बोले अन्य विध वचनावली, गोविंद गोविंद हो तुम बड़े ही क्रूर मायावी छली, रवि को छिपाने के प्रथम मुझको सचेत किया नहीं, आ जाए मरने की दशा ऐसी हंसी होती कभी। हंसने लगे हरी आहा पूर्णेन्द्र सा मुख खिल गया, हंसना उसी में भीम अर्जुन सात्विकी का मिल गया, थे मोद और विरोध के सब सरस झोंके झेलते, भगवान भक्तों से न जाने खेल क्या क्या खेलते, उन्मत्त विजय उल्लास से सब वीर सब लोग मत गयंद से, राजा युधिष्ठिर के निकट पहुंचे बड़े आनंद से, देखा युधिष्ठिर ने उन्हें जब जान ली निज जय तभी, मुख चिन्ह से ही चित्त की बुद्ध जान लेते हैं सभी, तब अर्जुनादिक ने उन्हें बढ़कर प्रणाम किया,
सिर पर रख कर हाथ उन्होंने सुख दिया और लिया। सब लोग उनको घेर कर थे उस समय उत्सुक खड़े। बोले युधिष्ठिर से स्वयं सुंदर सुमन मानो छड़े, हे तात जीत हुई तुम्हारे पुण्य पूर्ण प्रताप से। रण में जयद्रथ वध हुआ छूटे धनंजय ताप से। तुमने इन्हें सौंपा सवेरे था हमारे हाथ में, तो लीजिए अपनी धरोहर सुख सुयश के साथ में। सुनकर मधु घन शब्द को पाते प्रमोद मयूर जो, श्री कृष्ण के सुन वचन सबको सुख हुआ भरपूर त्यों। राजा युधिष्ठिर हर्ष से सहसा न कुछ भी कह सके, थे भक्ति के गुरु भार से मानो वचन उनके थके। साक्षात चराचर नाथ तुम रखते स्वयं जब हो गया, आश्चर्य का फिर जो जयद्रथ युद्ध में मारा गया, तो भी इसे सुनकर हृदय में सुख समाता है नहीं। साधन सफलता सुख सदृश्य सुख दृष्टि में आता नहीं। बहुविज्ञ तत्व ज्ञानियों ने बात ये मुझसे कही, माधव माधव तुम्हें जो इष्ट होता सर्वदा होता नहीं। अज्ञानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें है मानते, ज्ञानी विवेकी विद्यावर विश्वेश्वर तुमको जानते। जो कुछ किया तुमने स्वयं हे देव देव हुआ वही, जो कुछ करोगे तुम स्वयं आगे भी होगा वही। जो कुछ स्वयं तुम कर रहे हो रहा है वो तथा है, हे तुम मात्र सदैव हम करता तुम्हें हो सर्वथा। हे ईश बहु उपकार तुमने सदैव हम पर किए। उपकार प्रत्योपकार में क्या दे तुम्हें इसके लिए, है क्या हमारा सृष्टि में ये सब तुम्ही से है बनी। संतत ऋणी है हम तुम्हारे, तुम हमारे हो धनी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।